डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका डिफेंस एग्जाम मास्टरी पे। बहुत बहुत स्वागत है सबका। आज हमारे साथ रहेंगे मेजर समर पाल सिंह तूर सर। समर सर का वीडियो जो है अभी तक सबसे ज्यादा मोस्ट वॉच्ड वीडियो रहा है, और समर सर के साथ आपको काफी सारी चीजें सीखने को भी मिलेंगी। मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा आपसे सबसे कि ये जो सेशन है ये आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और सबको मजा आएगा, है ना। सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर करें और सबको जो है अच्छा लगेगा सेशन। मैं ये चाहता हूं कि ज्यादा बच्चे देखेंगे तो ज्यादा बच्चों को बेनिफिट होगा। अपने दोस्तों तक फैला दो भाई, जितने ज्यादा बच्चों को शेयर कर सकते हो उतने ज्यादा बच्चों को आप शेयर कर दो। मैं एक सेकेंड लूंगा बस। सबसे कि आप जो है ये सेशन को शेयर कर दो जितने ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो। आज हमारे साथ रहेंगे मेजर समर सर। समर सर के साथ हमने पहले भी सेशन किया था और सेशन जो था बहुत ही ज्यादा पावर पैक सेशन था, सब बच्चों ने पसंद किया था। आज हम समर सर के साथ जो सेशन करने वाले हैं, मैं सर को एक बार ऐड कर लेता हूं। सर अभी बस एक मिनट में आप हमें ज्वाइन कर लेंगे। सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर एक बार रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट कर लीजिए एंड देन यू विल बी लाइव। सर को मैंने इनवाइट भेज दिया है तो आज सर के साथ। वेलकम सर, वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टरी सर। आई एम गुड सर, आई एम डूइंग ग्रेट। सॉरी सर फॉर द डिले, हाफ एन आवर लेट हो गया था, मैं कहीं बाहर था, गाड़ी खराब हो गई, तो फिर मैंने आपको बोला कि सर आधा घंटा खिंच जाएगा, तो उस वजह से सर। एंड सर बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, आई होप कि इस बार की जो स्ट्रेंथ रहेगी वो पिछली बार को भी पार कर जाएगी। पिछली बार का जो सेशन था काफी मतलब बच्चों ने पसंद किया, तो जो भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको यही बोलूंगा कि यार इसको सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि आज समर सर आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो SSB के लिए रहेगा मेनली। तो मैं अगर समर सर के बारे में आपको बताऊं तो समर सर हैज बीन अ पर्सन जिनके किटी में अगर मैं बताऊं बहुत सारी चीजें हैं, आपको बहुत सारी चीजें सर से सीखने को मिलेंगी। जैसे सर ने मेनली तो सर का जो UN मिशन है वो बड़ा फेमस रहा। सर इज फ्रॉम राजरिफ, UN मिशन में सर रहे हैं, घाता कमांडो हैं सर, सर इज ए स्नाइपर ऑल्सो। तो मतलब इतने सारे अचीवमेंट्स हैं सर के कि यार तुम्हें ना मजा ही आ जाएगा सुन के। हाय हितेश, हाय एवरीवन, हाय किल कमांड इज देयर। तो सर सब बच्चे आ चुके हैं। जय सर, ओप बोल रहा सर। गुड इवनिंग एंड जय टू एवरीबॉडी। यस यस यस। तो सर वेलकम अगेन सर, ये दिस इज द सेकंड सेशन, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो सर सर ने जैसे बोला था कि आज हम बात करेंगे SSB के बारे में, ठीक है। तो SSB के बारे में सर हम मेनली बात करने वाले। तो सर मैं स्टार्ट उसी चीज से करूंगा कि लाइक आपका जब आपने ज्वाइन करा, आर्मी ज्वाइन करी, तो सर एक बेसिक क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग पर कि सर ने कौन सा एग्जाम दिया था, सर ने कौन से अटेम्प्ट में SSB क्रैक किया था। तो सर वो मैं बेसिकली जानना चाहूंगा आज आपसे कि कौन सी एंट्री से आप गए। ये बच्चों के लिए, मेरे को तो पता ही है सारी चीजें कि कौन सी एंट्री से आप गए, आपने कितने SSB दिए, और यू बीइंग एन ऑफिसर किड आपने SSB की तैयारी कैसे करी थी मतलब, और ये लोग करे तो कैसे करे। ओके, नाउ द थिंग इज SSB की तैयारी हाउ वी बिगन वाज, मेरे कॉलेज के जितने भी ग्रुप था, तो मेनली आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम गुजरात। सो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, आई वाज सराउंडेड बाय अ कल्चर एंड कम्युनिटी व्हिच वाज वेरी रिच इनटू बिजनेस बैकग्राउंड। तो बीच में मैं इन्फ्लुएंस हो गया था, बिकॉज आई वाज लाइक कॉन्स्टेंटली इन गुजरात, एंड देन प्रेशर तो नहीं बोलूंगा, बट यू नो पानी के बहाव की तरह यू जस्ट गॉट स्वेड कि ठीक है पूरी दुनिया ये करी तो लेट मी ऑल्सो डू इट, देयर इज नो हार्म इन डूइंग समथिंग गुड। सो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड वाज कि
I decided ki chalo let's have a backup plan as well. So it is never advisable, be practical in life to everybody, ki always have a backup plan. Never ever in your life you should stick to one single plan in life. So whatever plan you have, you should have an adjacent backup plan so as to how you're going to execute your particular goal in life. So my backup plan, yes, I was like, chalo, main army ka bhi dunga, though it was my priority. Always ki army ka bhi dunga. So basically, my MBA was an surety ki agar mera jo first priority hai, that is army, the selection procedure, ab wohi hai, hum sun-sun ke dar jate the. कि 5 दिन की इंटरव्यू है, टफेस्ट टाइप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इन द वर्ल्ड, एंड इसमें ड्रॉप आउट रेट तो मतलब हद से ज्यादा है, एंड साइकोलॉजिकली इफ दे फाइंड यू अनफिट तो आप जितने मर्जी एसएसबी देते रहो आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं. सो यू नो बहुत सारा प्रेशर था मेरे पे, एंड आई हैड जस्ट यू नो आउट ऑफ 2 tracks यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट ट्रैक. So in life, always, you know, have options open so that you can go in for the best one. मैं आपको example देता हूँ. I have friends who kept telling me, भाई मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ. I am preparing for civil services. भाई मेरे 6 साल army के निकल गए, मैं उनसे बात करता था तो तब भी यही कहते थे, भाई civil services की तैयारी कर रहे हैं. तो मैंने कहा भाई अब तो बाल सफेद होने लग गए धीरे धीरे, अब तो मतलब be practical. हम अब तो नौकरी करने लग जाओ यार, यू कांट जस्ट डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स एंड कीप सिटिंग एट होम कि मैं क्रैक कर ही लूंगा. सो इन टुडेज वर्ल्ड, इन टुडेज टाइम्स, यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल. यू कांट बी लाइक कि मैं सिविल सर्विसेज कर रहा हूं तो ये ही अल्टीमेट है, बाकी आई एम राइटिंग ऑफ एवरीथिंग. सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस दैट आई डिसाइडेड कि आई विल डू एमबीए एज माय बैकअप ऑप्शन. तो मेरा OTA का थैंकफुली एवरीथिंग वेंट विद द फ्लो एंड आई क्लियर्ड इट. सो टू ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग इट, फर्स्टली आई वेंट विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड वी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स डिड नॉट हैव एनी सेट गोल इन लाइफ. मतलब मैं आई वाज की आर्मी में तो जाना ही जाना है और मैं जज्बाती था, but I would not that jazbati to end because I was mentally prepared for the worst and I was going to prepare with the best efforts. So you know you hope for the best but you are mentally prepared for the worst. So maine kisi cheez ko for granted liya nahi hai life mein, kabhi bhi nahi leta. Be it a human being, I never take liberty or cross my line. I never take somebody for granted ki aise hi hota aaya to chalo mazak hi kar lo. Everybody has a different माइंडसेट. तो आप किसी को हल्के में नहीं ले सकते कि यार मैं 20 दिन इससे गप्पे मार लिए तो यार ही कैन टेक माय क्रैप और ही इज टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन माय टॉक एवरी टाइम दैट आई एम टॉकिंग टू देम. डजंट हैपन दैट वे. सो सिमिलरली आज जितने भी व्यूअर हैं, सर जयंत सर, नायर सर इज ऑल्सो देयर, सर हाउ आर यू, एंड सो वही मैं बता रहा हूँ कि यू नो जब मैंने पिछली टॉक की थी उसको लेके प्रॉब्ली टूडे उतने व्यूअर्स नहीं होंगे कि हाँ यार हम सुन चुके हैं. सो आज की यूथ में ये प्रॉब्लम है इंडिया में, यू वांट टू लुक फॉर मसाला एंड यू वांट टू बी एंग्रोस्ड विद इट. यू वांट कि कॉन्स्टेंटली यू नो नीड एंटरटेनमेंट, यू नीड समथिंग न्यू, यू नीड न्यू इनपुट, सो दैट इट्स लाइक यू नो वो बच्चे नहीं होते. व्हाई आर दे सो एंग्रोस्ड इनटू कार्टून्स? बिकॉज दोस डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स एवरी सेकेंड इज सो फैसिनेटिंग टू देम कि आप उन्हें 4 घंटे भी कार्टून के सामने यू नो आस्क देम टू वॉच द कार्टून, दे विल कीप एंजॉयिंग इट बिकॉज़ किड्स लाइक वाइब्रेंट कलर्स. ठीक है, वो इतने स्टिमुलस हो रहा है सो दे अप्रिशिएट, हाँ यार गुड, मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ, आई एम लाइकिंग इट. बट इन टूडेज यूथ क्या है ना, एज दे बिकम मेच्योर दे कीप ग्रोइंग. 10 मिनट, घंटा, 2 आवर्स, 3 आवर्स, हफ्ता, हफ्ते, महीना, महीने, साल मैक्सिमम. उसके बाद उसे लगता है नहीं यार आई तो मजा नहीं आ रहा, लेट मी सी समथिंग एल्स. बेसिकली वो अपने गोल से भटक बहुत जल्दी जाते हैं. एंड द वर्स्ट पार्ट इज आई विल टेल यू व्हाट आई फेस्ड.
like I belong to a now a upper middle class family. Like we are comfortable. कोई no issues in life. But initial years में ना आज की तारीख में मैंने देखा है कि लोग दूसरे की तरक्की को देख के ना तो on seeing somebody else's success वो उससे इंस्पिरेशन ही लेते हैं, उसे और कोसते हैं कि मेरा क्यों नहीं हुआ और इसका कैसे हो गया. एंड दे फील डीमोरलाइज्ड. वेयर एज माय फादर टॉट मी कि यार 100 मीटर पे तुम स्प्रिंट मार रहे हो ना, द पर्सन हु इज इमीडिएटली नेक्स्ट टू यू कीप हिम एज इंस्पिरेशन, उसी के साथ प्रैक्टिस करो ताकि अगले 2-3 कॉम्पिटिशन बाद यू आर गुड इनफ टू इवन ओवरटेक हिम. और अगर वो तुम्हें अपने साथ ट्रेन भी नहीं करना चाहता है, देन यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड कि अच्छा ऐसे करना है, ऐसे करना है टू मेक योरसेल्फ कैपेबल. तो आज के यूथ फर्स्टली डोंट गेट बोर्ड इन लाइफ. ठीक है, टेक इंटरेस्ट. इफ यू मेड अप योर माइंड कि हाँ मैंने ये करना है तो स्टिक टू इट कि मैं करूंगा. ठीक है, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द यूथ हेट टू गेट अप अर्ली. जैसे कल्चर बन गया है, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है ना, जोमैटो और स्विगी पे बस यू क्लिक ऑफ अ बटन, यू नो यू गेट द फूड. ठीक है, एफर्ट्स बेसिकली योर फिजिकल एफर्ट्स हैव गॉन डाउन, उससे योर एफिशिएंसी, योर फिजिकल एफिशिएंसी गोज डाउन. सो व्हेन योर बॉडी बिकम्स लेथार्जिक, योर माइंड बिकम्स लेजी, देन योर माइंड गेट्स अ टेंडेंसी यार छोड़ो यार जाने दो, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे. सो दैट कल वाला सिंड्रोम कीप्स कमिंग एंड देन इट बिकम्स डोमिनेटिंग एंड दैट कल करते करते सिंड्रोम मेक्स अ पर्सन लेजी और अ यूथ लूज इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव वेरी सून. कि भाई मेरा ये गोल है पर वो नहीं अचीव हो रहा है, छोड़ो यार, डोंट डू दैट. पर बी लॉजिकल. मैंने आई गेव एग्जांपल ना, एक क्लिंट ईस्टवुड की पिक्चर थी डर्टी हैरी, उसमें एक लाइन बोलते हैं, अ मैन मस्ट नो हिज लिमिटेशंस. तो वन शुड एक्चुअली नो कि मैं कितना कर सकता हूं एंड इफ आई कांट डू दिस मच देन आई शुड लुक टू अ पर्टिकुलर डिसीजन व्हिच इज गोइंग टू हेल्प मी मोटिवेट मी फर्दर. ठीक है ना, तो दैट इज द मेन फैक्टर. सो फर्स्टली ऑल द एसएसबी एस्पिरेंट्स, मैंने पहली चीज तो बोला या तो एनसीसी ज्वाइन कर लेते. दोज़ आर स्टिल इन स्कूल राइट नाउ और इन कॉलेज, ज्वाइन एनसीसी राइट अवे, गो एनरोल, धक्के खा लो, थोड़ा कष्ट ले लो. कमिंग इयर्स इज गोइंग टू बी अ गोल्ड माइन फॉर यू, इट विल बी अ वॉक थ्रू फॉर यू कंपेयर टू दोज जो बेचारे पढ़ पढ़ के वो आर वॉन्टिंग टू गो इन टू फौज, वो डायरेक्ट इंटरव्यू दे के आ जाएंगे. तो पहली चीज तो ये, दैट द बिगेस्ट एडवांटेज इज ज्वाइन एनसीसी. उसके बाद सेकेंड ऑप्शन इज वंस यू गेट इन टू कॉलेज, मतलब फॉर दोज इन स्कूल, ट्राई फॉर एनडीए. डोंट मिस आउट ऑन योर एनडीए एग्जाम, गिव इट ड्यूरिंग योर 12th के प्री बोर्ड्स. दैट्स अ 12th, अभी प्री बोर्ड्स का टाइम है जैन फेब, तो इसी के आसपास यू नो यू हैव द एग्जाम. So make sure to make it a point to prepare for that NDA exam with dedication. ठीक है, उसके बाद if you miss the chance, don't get disheartened. Continue with NCC. I continued with NCC to keep my firing skills, you know, at par, not to decline. आप out of touch हो जाते हो, then you lose your touch in that particular thing. So my hobby was firing. So I made it a point to be in the firing team also. In NCC. So Mavlankar Championship mein bhi I participated. It's a all India level firing competition. So basically, you cannot let that interest die. You know, 90% victim kya ho jata hai? Boredom ke. Ki nahi hua, ek baar nahi hua, do baar nahi hua, teesri baar bolte chodo. Then they'll be lost ki line kaun si pakadni hai. What is the exact decision? Where to head? Heading? Where am I heading now? They are lost. So मैंने वही बोला ना कि a weapon, they are like a ready weapon to fire.
बट उनके सामने टारगेट ही नहीं है आज के यूथ के सामने. दे आर लूजिंग विजन ऑफ द टारगेट एंड गोल. तो तुम्हारा पूरा टैलेंट, पढ़ाई एंड योर साइकोलॉजिकल रोबस्टनेस एंड टैलेंट गोज डाउन द ड्रेन बिकॉज आपको गाइडेंस ही नहीं है. और जो गाइड करना चाहते हैं दे आर बड़ी चार्जिंग हेल अमाउंट ऑफ मनी. वो कमर्शियलाइज कर दिया ना SSB इंस्टीट्यूट वगैरह. पर ठीक है, आई अंडरस्टैंड, जाओ गो अटेंड, बट एन अटेंड विद डेडिकेशन. और मैं एक चीज बता दूं, इट्स अ इंडियन टेंडेंसी. एक होता है ह्यूमन टेंडेंसी, एक होता है इंडियन टेंडेंसी. मुफ्त की चीज कभी हजम नहीं होती. तो इफ समबडी टेक्स एन एंडेवर की यार मैं फ्री में पढ़ा दूंगा तुम्हें, उस दे आर वेरी फ्यू हु गॉन थ्रू ट्रेमेंडस हार्डशिप्स इन लाइफ की उन्हें फ्री में एक्चुअली रिक्वायरमेंट है ना, दे विल मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड दे विल क्लियर इट ऑल्सो अगर फ्री में पढ़ा. पर 90% ऐसे जिन्हें फ्री में भी पढ़ाओगे दिया है कर लो, होता है ठीक, नहीं होता तो भी ठीक, मतलब हमारी जेब से क्या जा रहा है. यू कांट थिंक दैट वे, यू गॉट टू बी डेडिकेटेड कि भाई ये मैंने आई हैव टू अचीव दिस पर्टिकुलर टारगेट एट ऑल कॉस्ट, आई हैव टू ज्वाइन दी फोर्सेस. तो यू कांट डाइवर्ट फ्रॉम दिस योर माइंडसेट. तो भाई गो टू द पोस्ट ऑफिस, बाय अ CDS का फॉर्म. मेरे टाइम पे 2010 में वो 110 रुपए का फॉर्म होता था. आज की तारीख में आई एम नॉट अवेयर व्हाट इज द कॉस्ट फॉर इट. गो बाय द फॉर्म, उसमें OMR शीट की तरह ही फॉर्म होता है और एक दो लाइंस होती हैं जिसमें नेम एड्रेस वगैरह है. जस्ट फिल द फॉर्म एंड पोस्ट इट, भेज दो. आपका एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह वो बता देंगे भाई कि यहाँ पे है. बट फिल द फॉर्म, मेक एन एफर्ट. एंड फॉर्म फिल करने के बाद वॉच, मैं कहता हूँ बेस्ट वे फॉर यू टू गेट इनकरेज वॉच मूवीज यार. ठीक है, वॉच मूवीज. आप एक्शन मूवीज देखो, आप हॉलीवुड वाली एक्शन मूवीज देखो, आप बॉलीवुड वाली एक्शन मूवीज देखो, इन द सेंस विच आर रिलेटेड टू वॉर. ठीक है ना, विच हैव अ ट्रू स्टोरी बिहाइंड इट. ठीक है, सो यू ज्वाइन मतलब यू सी अ मूवी विच इज रिलेटेबल टू आर्मी. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि भाई कौन सी वो उसका देखना है, यू कैन वॉच विच एवर यू विश टू, बट इट शुड हैव अ थीम विच इज बेस्ड रिलेटेड टू द आर्म्ड फोर्सेज. ठीक है, विच हैज अ मोटो, विच हैज दैट मोटिवेशनल फैक्टर इन इट. ठीक है, सो फिल द फॉर्म, सेंड इट. एंड द मोमेंट यू सेंड द फॉर्म, यू आर सपोज टू बेसिकली मेक एन एंडेवर टू गेट योर मेडिकल डन. आप एक बार अपना बेसिक मेडिकल एग्जामिनेशन करा लो, सो दैट जस्ट इन केस कि यू शुड बी अवेयर वॉट इज योर कंडीशन. यू शुड नॉट बी ओवर वेट, यू शुड बी इन द राइट पैरामीटर ऑफ योर वेट. ठीक है, यू शुड बी फिजिकली फिट. नॉक नीज नहीं होना चाहिए, आपके एल्बोज का एंगल ज्यादा आउटवर्ड नहीं होना चाहिए. ठीक है, आपके बॉडी में कहीं पे रॉड लगी है या कुछ वो नहीं होना चाहिए. आंखों में कोई लेजर ऑपरेशन है, दैट इज स्टिल मैनेजेबल, यू कैन स्टिल फाइट इट आउट. पर परमानेंट डैमेज नहीं होना चाहिए टू योर आईज. ठीक है, योर विजन शुड बी 6x6 एज मच एज पॉसिबल. पर उसमें एक परमिसेबल लिमिट होता है, दोज हू हैव स्पेक्स, सो दैट इज परमिसेबल ओनली टू आर्मी. ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये है. एंड Try to have a work experience. जिनका NDA में नहीं होता है, try to do a part-time job during college. I will not shy away from telling you this. My father like belongs to a very well-off family. मुझे कोई problem नहीं होती थी जब मैं pocket money मांगता था. My father used to give me एक ही बारी में 5,000, 10,000, कई बार 15,000 भी दे देते थे. College की trip पे ही जानी है, 20,000 ले लो भाई, ले जाओ. ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स बिकेम क्वाइट फ्रीक्वेंट. एंड लेटर ऑन माय फादर रियलाइज, नहीं, एवरीथिंग इज कमिंग टू इजी टू हिम, लेट्स मेक थिंग्स डिफिकल्ट. ही सेड सॉरी, नो पॉकेट मनी. रातों रात मेरे पैरों तले जमीन निकल गई. आई हैड अ एंटाइसर बाइक ऑल्सो. मैंने कहा यार भाई इसके तो पेट्रोल के पैसे कहाँ हैं.
तो आई वॉज लाइक यार पेट्रोल की पैसे नहीं है अब मैं क्या मतलब हाउ इवनिंग में आफ्टर माई गेम्स एंड एवरी थिंग आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ बाइक राइडिंग एंड गोइंग प्लेसेस ना ऑन द बाइक मैं ये तो मेरा गया कहानी खत्म. सो देन आई वेंट आई अप्लाइड फॉर अ जॉब एट पिज्जा हट एट अलकापुरी इन बड़ोडा एंड आई अप्लाइड फॉर इट. आई थॉट वो अच्छे से बातचीत करेंगे मेरा थोड़ा हालचाल पूछेंगे मुझे देखेंगे बोलेंगे ओके सेलेक्टेड. इट वॉज नॉट दैट. उन्होंने मुझे अपना मेन्यू का कॉपी दिया फोटो कॉपी बोला योर एग्जाम इज नेक्स्ट वीकेंड अगले वीकेंड है तो प्लीज प्रिपेयर एंड लर्न द मेन्यू. एंड उन्होंने एक और बुक दी जिसके अंदर था कितने ग्राम्स में कितनी वेजिटेबल पड़ती है पिज्जा में एंड ऑल द डिफरेंट डिशेज दैट दे गिव. एंड आई वॉज लाइक यार ये क्या है. आई थॉट मतलब पिज्जा में मतलब एक वेटर की नौकरी करने के लिए भी मुझे पेपर देना है क्या. सो आई वॉज लाइक आई वॉज अगास्ट मैं कह यार ऐसे भी होता है. फिर मैं गया घर पे पढ़ा एंड एवरीथिंग आई मग जितना मगअप कर सकता मगअप किया वो ऑब्वियसली जितनी शिमला मिर्च के कितने ग्राम है उतना ही होंगे विद लॉजिक मैं तो नहीं बोल सकता ना 250 ग्राम शिमला मिर्च पड़ती है इसमें. तो एवरी पर्टिकुलर पिज्जा डिफरेंट रेशियो ऑफ वेजिटेबल्स टू बी पुट इन इट. तो आई वेंट इनटू डेप्थ मैं डिटेल में गया पढ़ा घोटा मारा हिस्ट्री की डेट्स की तरह कि इस पिज्जा में ये डलता आई मार्केट अप. आई वेंट रिटन एग्जाम हुआ तो देवर अराउंड 24-25 कैंडिडेट्स उसके अंदर दे सिलेक्टेड टॉप 5 जिसके अंदर मेरा नंबर चौथा था मतलब मेरा फर्स्ट 3 में भी नहीं था. तो जस्ट इमेजिन मेरी क्या हालत थी कि मैं बच गया मतलब बट आई रियलाइज कि चलो ठीक है समथिंग इज बेटर देन नथिंग. आई केम फोर्थ आउट ऑफ दोस 5 स्टूडेंट्स. एंड उस टाइम एक ट्रेंड शुरू हुआ था 2008-9-10 में ना वो पार्ट टाइम जॉब वाला बिकॉज मैकडोनल्ड्स एंड पिज्जा हट एंड ऑल वो कंपैरेटिवली न्यू तब डोमिनोज भी नहीं था इंडिया में ठीक है केएफसी भी शायद नहीं था केएफसी आल्सो वाजंट इट वाज जस्ट मैकडोनल्ड्स एंड पिज्जा हट ठीक है एंड स्मोकिंग जोज तो ये सब थोड़े थोड़े एमएनसीज ही आए थे तब. सो आई रियलाइज कि चलो ठीक है आई गॉट सिलेक्टेड. देन मतलब रगड़ा देखो कि सो डोंट सिट आइडल. अगर आपने फॉर्म भर दिया है एसएसबी का डोंट सिट आइडल आप डू अ जॉब ड्यूरिंग कॉलेज ट्राई टू डू एनी पार्ट टाइम जॉब यार कोई प्रोग्रामिंग सीख लो डू समथिंग बिकॉज इन टूडेज वर्ल्ड ट्रस्ट मी अगर आपको लग रहा है जहां आप जा रहे हो यू आर अ फन्ने खान ट्रस्ट मी जो आपके साथ जा रहा है वो शायद डबल फन्ने का होगा उसने शायद एक दो डिप्लोमा भी कर लिए होंगे कि चलो यार मेरी इंटरव्यू में बिकॉज आजकल द जनरेशन इज स्मार्ट ठीक है. तो यू कैन नॉट वाइन ऑफ टाइम कि भाई मैं बिंज वॉचिंग करूंगा नेटफ्लिक्स देखूंगा अमेजोन प्राइम देखूंगा या हॉटस्टार प्लस देखूंगा एंड मैं चिल टाइम काटूंगा शाम को पढ़ लूंगा बस. नो यू गॉट टू निगेट ऑल द रिलैक्सिंग थिंग्स इन लाइफ एंड डिप्लोमा एंड यू नो यू हैव टू एनहांस योर नॉलेज यार टिल द टाइम यू डू नॉट एनहांस योर नॉलेज एंड योर पर्सनल माइंडसेट इज नॉट अवेयर ऑफ द लेटेस्ट सराउंडिंग्स अराउंड यू यू आर अ विंटेज पर्सन. If you are not being abreast with the latest, you are outdated. Yes, technology sir. देख लो यार iPhone 12 अभी आया था एक डेढ़ साल पहले iPhone 13 आ गया. So that is what I'm saying कि before the new technology even sets its mark in the market, an upgraded model is already arrived then. So actually कोई time नहीं है life में. You have no time. You're running short of time. Utilize time. Don't waste it. ठीक है हॉबी के लिए बाइक राइड जाना है सिर्फ संडे को जाओ यार दिन में और बाइक राइड के नाम पे आवारा कर दी मत करो कि सुबह क्या और रात को आऊंगा भाई संडे तो नो बडी टच मी नॉट डू नॉट डिस्टर्ब इट डजंट हैपन दैट वे यार इट्स नॉट प्रैक्टिकल. तो आफ्टर दैट आफ्टर यू अप्लाइड फॉर दिस ये फॉर्म नाउ सीडीएस फॉर्म में यू हैव टू ऑप्शन एक ओटीए का होता है उसे शेड करो और एक आईएमए का भी शेड करो एंड मेक एन एंडेवर टू प्रिपेयर फॉर आईएमए. तो आप सीडीएस के थ्रू आईएमए का एग्जाम का तैयारी करो. रीजन बीइंग इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज इज कॉमन फॉर बोथ द एग्जाम्स सो द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इज मैथमेटिक्स
आप मैथमेटिक्स का अलग से उसी इंस्टीट्यूट वेर एवर यू गोइंग फॉर ट्यूशन बी एट एसएसबी कोचिंग सेंटर और टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल यू मेक एन एंडेवर टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट इन मैथ्स एंड डोंट हैव ओवर कॉन्फिडेंस नेगेटिव मार्किंग इज नाउ इंट्रोड्यूस्ड मेरे टाइम नेगेटिव मार्किंग आ गई थी तो एज अ रिजल्ट आई नेवर मेड एन एंडेवर की भाई अच्छा इसका मुझे शायद ये लग रहा है तो कर दो यार शेड अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो अच्छा एबीसी इसको शेड करो सॉरी इट डजंट हैपन लाइक दैट एनी मोर द अलॉगरिथम्स टू द जो आंसर की होती है इट ऑल्सो हैज डिफरेंट अलॉगरिथम्स बेसिकली इतने अलग अलग उसके वो कॉम्बिनेशंस बनते हैं हाँ तो द अनोमलीज आर इन थाउजेंड्स तो अगर किसी को लगेगा ना यार मैं एक पैटर्न भी ड्रॉ कर लेता हूँ तो शायद एबीसीडी को करूंगा तो ऐसे हो जाएगा नो द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जब जो एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्यूटर के अंदर जब फीड करते हैं और उसका डिफिकल्टी लेवल चूज होता है कि इस डिफिकल्टी का बनेगा देन द कंप्यूटर विद कीपिंग इन माइंड द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स 5 years के क्वेश्चन पेपर्स वो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को शफल करके फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसाइड्स कौन कौन से डिग्री ऑफ डिफिकल्टी में वो आएगा इतना एडवांस हो गया है क्वेश्चन पेपर मेकिंग अगर आपको लग रहा है ना यार उन लोगों ने सिलेक्ट किए यार एबीसीडी करके नो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है दैट अ पर्टिकुलर बोर्ड और सेट ऑफ पीपल आर टोल्ड भाई आप अपने क्वेश्चन बैंक को सबमिट करो पर सबमिट करने के बाद क्वेश्चन बैंक को शफल किया जाता है एंड उसके बाद The computer decides which all questions will come in section A, section B, section C. And then you have different set of answer sheets. Like you have set A, set B, set C. So, agar aapko lag raha hai ki aap aapas mein bhi thoda coordination kar loge, it doesn't work that way. You have to be, pehli cheez to aisa kaam karna hi nahi. Because see, jab aap exam dene ja rahe ho, to You don't even know that stranger, यार. Yes, sir. इसमें सर मैंने देखा है see, these are practical things in life. उनकी desperation होती है ना मैंने लोगों को देखा है literally मतलब ending में तो वो दायमा देख रहे होते हैं कि यार बता दे यार कौन सा है and वो एबीसीडी थोड़ा ना बताएगा वो पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन बोलना पड़ता है एंड उसी में ही लोग डिसक्वालीफाई हो जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में डिसक्वालीफाई कर देते हैं सॉरी और एक बार डिस्क्वालिफिकेशन हो गया योर नेम डिटेल्स आर गॉन आफ्टर दैट यू विल नेवर बी सिलेक्टेड आप जितना मर्जी क्लियर करते रहो एसएसबी डोंट बिकम अ डिफॉल्टर यस सर इसमें सर एक चीज और आती है जैसे मैं आपको बताता हूँ यू वेंट थ्रू सीडीएस ओटी एंट्री एंड आई हैव आल्सो क्लियर सीडीएस 5 बार तो सर जैसे हमने देखा है ना पेपर में कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछती यूपीएससी एनालिटिकल क्वेश्चन देगी कि पहला सही है दूसरा सही है पहला दूसरा तीसरा सही है या दूसरा चौथा सही है कोई भी सही नहीं है दो केवल ये लोग सोचेंगे कि थॉरो नॉलेज होगी ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओगे तो भी आपका पेपर पास नहीं होगा आपको एनालिटिकल पेपर मिलेगा यानी कि डीप डाउन आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल अच्छा शिवम वन वेरी सिंपल क्वेश्चन खाना कैसे बनता है फैक्ट्रीज वगैरह में प्रोसेस वगैरह होके बनता है ना हाँ आंसर इज फोटोसिंथेसिस हाँ तो वही कॉमन सेंस वाला है Yes, yes, got it, sir. So they want to know the main in depth. ठीक है, you can't give a ऊपर का answer. ठीक है. कि हो सकता है कि आपने तीसरी चौथी क्लास की AVS की किताब में कुछ पढ़ा हो, कभी किसी अपने छोटे भाई बहन को सर ऐसा हुआ है मेरे साथ मैं ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को कॉलेज के टाइम पे, तो चौथी क्लास का AVS का क्वेश्चन मेरे CDS में 2 बार टकराया. छठवीं क्लास का एनसीईआरटी के बीच का क्वेश्चन डू यू नो करके आता है सर वो कार्टून टाइप बना देते हैं एनसीईआरटी वाले सर वो क्वेश्चन आ गया एनडीए सीडीएस के पेपर में तो कुल मिला के और बहुत बेसिक था सर अगर मतलब कोई थोड़ा बहुत भी पढ़ता है स्कूल में भी किसी ने ढंग से पढ़ाई करी होगी तो वो पेपर उनको सीडीएस में हेल्प कर देगा तो ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा मारना है आपको ना कॉमन सेंस भी काम करना है सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि खाना कैसे बनता है फोटोसिंथेसिस से बनता है तो भाई वो बेसिक चीज है वो तुम्हें मतलब दिमाग की बत्ती जला के रखनी पड़ेगी तभी निकलेगा पेपर क्योंकि यूपीएससी है ये और सर ने एक चीज और पहले बात करी थी कि पेशेंस नहीं है बच्चों में सोशल मीडिया के बच्चे हैं तो सर बिल्कुल सही बात है जैसे मैं भी बात करता हूँ तो उनको सर इमीडिएट रिजल्ट चाहिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है ना इंस्टेंट चाहिए रिजल्ट
सर 2 महीने है सीडीएस पास करना है सर, कैसे करेंगे आप बताओ सर। भाई मैं एक लेवल तक मदद कर सकता हूँ ना सर इनकी, मैं एक लेवल तक 6 महीने 7 महीने तो लगेंगे सिलेबस को खत्म होने में, फिर उसके बाद आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हो। आप मेरी क्लास के बाद या आपने आपके किसी टीचर ने बताया तो आप कितने घंटे अपने आप के साथ आप कितना जस्टिस कर रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, पुराने साल के पेपर कितने सॉल्व करते हो, तो वो सारी चीजों पर भी डिपेंड करता है। अच्छा सर एक सवाल आता है, जैसे आपने बोला कि कुछ ना काम करना चालू कर दो जब आपका एनडीए नहीं होता, आप कॉलेज में हो तो पार्ट टाइम जॉब पकड़ लो, तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ आपने इस पार्लेंस में बोला होगा कि इस चीज से इनकी पर्सनैलिटी ग्रो होगी, इनकी इंटरपर्सनल स्किल्स जो है ना जॉब करेंगे, लोगों से मिलेंगे, अपना पैसा खुद से कमाएंगे, तो क्या है इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप होंगी, थोड़ा सा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। तो सर जैसे हमने देखा है कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द राइट प्लेस दैट आई वांटेड टू कन्वे, यस यू विल बिकम रिस्पॉन्सिबल, नथिंग कम्स इजी, तो परिश्रम के बगैर यू विल नॉट गेट टू योर गोल, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, एंड यू नो यू हैव टू बी ओवरऑल पैकेज, फिजिकली स्टड होना तो बाद में बनोगे, पर बेसिक फिजिकल क्वालिफिकेशन तो रखो, बट हाँ यू वॉन्ट टू बी अपडेटेड, यू वॉन्ट टू बी द बेस्ट, देन यू रन 5 किलोमीटर इन लेस देन 22 मिनट्स यार, बल्कि मैं तो कहता 20 मिनट के अंदर आओ, आपको आपको 2.5 किलोमीटर भागना है ना, आप 2.5 किलोमीटर 8 या 9 मिनट के अंदर भागो, दैट इज हाउ वी यूज्ड टू डू इट, तो आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू पुश योरसेल्फ, आई यू नो एट टाइम्स फिजिकली इतना टफ हो जाता था ड्यूरिंग ट्रेनिंग एट टाइम्स दैट आई यूज्ड टू एक्चुअली ब्रेक डाउन यार मेंटली, मैं कोना पकड़ के एक दो बार बैठ गया था, मैंने कहा यार ये आई फॉर हाउ लॉन्ग विल आई गो ऑन यार, कैन आई डू दिस, बट व्हेन व्हेन यू लुक लुक टू अ पर्सन टू योर राइट टू योर लेफ्ट, फिर आपको लगता है यार ये भी तो मेरे साथ का ही है यार, ये भी तो मेरे साथ उतना ही रगड़ा ले रहा है, एंड सम वर वेरी फ्रेल एंड थिन ऑफिसर्स यार, मतलब जेंटलमैन कैडेट्स, बहुत पतले, उनके ऊपर जितना लोड था इक्वल लोड मेरे ऊपर भी था, तो रियलाइज यार इनकी इनकी हालत क्या होगी यार अगर मेरी ये हालत है, सो वी हैड टू कैरी ईच अदर अलोंग, सो इफ पॉसिबल मेक अ ग्रुप, आप 5-6 जनों का ग्रुप बनाओ कि भाई चलो इकट्ठे रनिंग के लिए चलते हैं, पुल ईच अदर, अगर आपको लगता है यू आर वीक इन रनिंग यार पिट्ठू पहनो, पिट्ठू इन द सेंस टेक अ बैग, उसके अंदर रेत डाल लो यार, पुट 4 to 5 kg, ठीक है ना, यस सर। तो सर ने बड़ा सही बात बोला कि बिना मेहनत के तो यार कुछ नहीं होने वाला, देखो। और सर एक चीज और आती है, अभी ना अभी हम 2022 में आ चुके हैं, 2010 की बात अलग थी, 15 की बात अलग थी, हम अब वी आर कंटिन्यूअसली मूविंग, और आप भी जानते हो कि फौज में सर क्या होता है कि 16.5 से 19.5 तक, ये 19 साल तक आप एनडीए दे सकते हो, और फिर 19 से लेके 24-25 तक ओटीए दे सकते हो, उसके बाद अटेम्प्ट ही नहीं है सर, तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ अटेम्प्ट है। और क्या है इनके अंदर प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स के अंदर सर, इनके अंदर ना तो पेशेंस है ना डिसिप्लिन है, तो सर डिसिप्लिन के बारे में लाइक हाउ वुड यू कोट कि डिसिप्लिन का जीवन में क्या रोल है, हाउ मच इम्पोर्टेंस इट डज होल्ड इन बिकमिंग एन ऑफिसर, क्योंकि ऑयल क्यूज तो वो चेक करेंगे ही करेंगे, पर ये भी तो देखेंगे ना बंदा कितना ऑर्गेनाइज्ड है, कितना डिसिप्लिन्ड है। आई विल टेल यू डिसिप्लिन कम्स जब आप बचपन से डिसिप्लिन, तो कैसे आता है जब आप कोई भी गेम खेलोगे, जब मैंने क्रिकेट खेलना सीखा था तो मुझे बोला था कि भाई बॉलिंग करोगे तो ये लाइन ही क्रॉस करनी है वरना नो बॉल हो जाएगी, सो व्हाइल बॉलिंग आई न्यू कि यार लाइन ही क्रॉस करनी, व्हाइल बैटिंग यू मार्क योर ऑफ विकेट या मिडिल स्टंप या लेग स्टंप, पर वो मार्क करने के बाद आपको स्टांस लेना होता है, आप ओपनली नहीं खड़े हो सकते, अगर 2 कदम आगे जाना है तो आपको एंटिसिपेट करने की बॉल यहां गिरेगी तो मैं यहां खड़ा हो जाता हूं, सो यू हैव टू यू नो तो स्टार्ट प्लेइंग गेम्स, बैडमिंटन खेलते तो उसमें रूल है कि शटल कॉक अगर इस पर्टिकुलर लेन के बाहर गई तो आउट है सिंगल्स में, ठीक है, डबल्स में सबसे थर्ड वाले उसमें गई तो आउट है, ठीक है, मतलब थर्ड लाइन से बाहर तो आप मार ही नहीं सकते हो, ठीक है, तो इन डबल्स इट हैज टू कम इन,
पर वाइल सर्विंग अगर आपकी शॉर्ट सर्विस हो गई तो भाई यू हैव टू कीप अ चेक ऑन योरसेल्फ कि भाई मुझे शॉर्ट सर्विस नहीं करानी है, मुझे शटल कॉक को शॉर्ट सर्विस की लाइन से थोड़ा आगे ही गिराना है. एंड द मोर यू विल प्ले द मोर टैलेंटेड यू विल बिकम. स्कॉश, आई लर्न प्लेइंग स्कॉश. फोर हैंड तो मैं जेम्स बॉन्ड की तरह था भाई. लो भाई फोर हैंड पे ठाक 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 ऐसे डेड शॉट्स मारता था. थर्ड बेस लाइन पे बंदे खड़े रह जाते थे क्या चल रहा है भाई. बट व्हेन आई यूज्ड टू गो ऑन टू माय बैक हैंड वाली साइड तब वो मुझे नचाते थे. दैट इज अ टाइम जब वो मुझे भगाते थे गपा गप. और अगर मुझे लेफ्ट हैंडर मिल जाए लाइक आई हैड अ मतलब आई स्टिल हैव अ कोर्समेट ऑफ माइन स्टिल सर्विंग. ही इज अ लेफ्ट हैंडेड स्कॉश प्लेयर मेरी कंपनी का. ये कोई मैं ही इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स. तो भाई वो लेफ्टी है तो वो तो इतना फॉर हिम इज लेफ्ट हैंड इज लाइक मेरा बैक हैंड इज इज फोर हैंड. तो वो तो मुझे भगा भगा के नचाता था कि चल अब तू इधर चल. वो कई बार बोलता भी था कि तू अब मैं तुझे यहां देने वाला हूँ रेडी रहना. डिस्पाइट नोइंग द बॉल इज गोइंग टू गो देयर मेरे ही बत्ती बंद हो जाती थी. सो देन स्लोली स्लोली आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग. फिर धीरे धीरे खेल खेल के आई स्टार्टेड विनिंग फ्यू गेम्स दो ही वॉज बेटर देन मी. ठीक है स्टिल इज बेटर आई एम श्योर. सो यू नो द थिंग इज की कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी नहीं लाओगे बोर हो जाओगे. जो एक्चुअल आपका गोल है आपका जो मेन डेस्टिनेशन है जहां पहुंचना है नहीं पहुंच पाओगे. तो बी ट्रू टू योर सेल्फ बी कमिटेड. इफ यू आर गोइंग टू रिमेन अनकमिटेड देन देयर इज नथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन. ठीक है. एंड दिस आई एम टेलिंग बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. ठीक है लेडीज का बता देता हूं. लेडीज इफ यू आर वॉचिंग दिस यू हैव टू हैव अ वेरी रोबस्ट माइंड सेट कि भाई ये लड़कों को रगड़ा लग रहा है तो तुम्हें भी वही सेम रगड़ा लगेगा. अगर बंदे 40 केजी लेके भाग रहे तो तुम्हें भी 40 केजी लेके भागना है. बिकॉज ड्यूरिंग वॉर दे आर नॉट गोइंग टू सी लेडी. इफ अ लेडी ऑफिसर इज देयर और अ मेल ऑफिसर इज देयर वहां से तो सीधी गोली आएगी. तो दैट इज द बेस्ट पार्ट इन फौज दैट वी नेवर यूज टू डिफरेंशिएट कि यार ये लेडी कैडेट है या जेंटलमैन कैडेट है. दे आर कैडेट्स तो भाई इन्हें भगाओ रगड़ा दो इन्हें पनिशमेंट दो. इफ दे आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग दे आर नॉट गोइंग बाय द बुक और दे आर मेकिंग अ मिस्टेक. सो लेट मी टेल द लेडीज इट इज गोइंग टू बी इक्वली टफ फॉर यू एज मच एज इट इज गोइंग टू बी फॉर द बॉयज. ठीक है तो अभी तो खैर यू ऑल गोइंग टू बी गर्ल्स एंड बॉयज ओनली. यू आर यंग एडल्ट यंग बॉयज एंड गर्ल्स. So the once you go and come out from the training, then they'll call you men and women. ठीक है ना proper like a man and lady. Then you will be baptized कि भाई now you have come up at another level in life. ठीक है पर वहां तो आप boy and girl हो. They will push you to your limits and they will test your psychological aspect. They will check how you perform under immense psychological stress. Physically तो take it for granted you will be drained out. आपकी energy खत्म है. So the you know Muhammad Ali used to start counting his sit ups जब उसका पेट दर्द होना शुरू होता था. मतलब उतना ज्यादा effort डालता था. You know the boxer the legend sir Muhammad Ali he used to be epic. He used to start counting his efforts in exercise after pain used to begin. वो बोलते थे ना सर कि I must show you how great I am. I must show you how great I am. Exactly so because he did something which others could not. So he definitely became great. आज की तारीख में सारे कहते हैं ना para SF and infantry. भाई tough होना बनता है. You have to be better than the rest and later become better than the best. So that is how you learn respect, yaar. You are going to join a proper fighting arm. यहाँ पे life and death के decisions होते हैं. You will also join the support arms, which are the lifeline of others, other arms. उनके बगैर you will not survive. आपको communication चाहिए. You need rations, you need ammunition, you need your maintenance of your weapons. जब आपके weapons ही खराब हो जाएंगे पत्थर मारोगे क्या?
एमिनेशन खत्म हो जाएगा तो व्हाट विल यू डू, यू विल फाइट विद स्टिक्स. सो एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंट, ऑल आर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो विच एवर आर्म यू आर गोइंग टू गेट, वर्शिप इट लाइक गॉड कि भाई दिस इज माय कमिटमेंट. बट आपको पहले बिफोर गोइंग इनटू फौज आपको अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है. इफ यू थिंक नहीं मेरा बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंगली आई एम ओवरवेट, आई विल रन दैट एक्स्ट्रा किलोमीटर. हाँ टाइम नहीं होगा मेरे पास, भाई आधा घंटा पहले जाग जाओ. आई एम नॉट आस्किंग यू टू रन एंड स्प्रिंट दैट एक्स्ट्रा माइल एवरी डे, पर धीरे धीरे तो स्टार्ट करो ना यार. तो मैंने देखा है बातें बड़ी बड़ी होंगी, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, आई वॉन्ट टू क्लियर इट इन फर्स्ट टाइम दिस दैट. भाई मुझे तो ऐसे लगता है कई बार होटल में गए और ऑर्डर दे रहे हो, यार मुझे मेन्यू में ये चाहिए. सॉरी इट्स देर आर नो फ्री लंचेस, सो यू हैव टू वर्क योर एस ऑफ. ठीक है, और किसी पर रोप झाड़ने से पहले खुद पे खुद के ऊपर रोप झाड़ो ना. रोप कैसे झाड़ोगे भाई, खुद को रगड़ा देके, बाई डूइंग समथिंग अगेंस्ट योर विल, दैट इज बिकमिंग टफ. हाथ पैर में थोड़े छाले तो आने दो ना यार, अपने नाखून, लेट योर नेल्स कम आउट, कीप रनिंग, छाले डालो उनमें, बेयर द पेन यार. यस सर. तो सर जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि बिना मेहनत किए तो कुछ होगा नहीं, यू हैव टू वर्क योर एस ऑफ, ओनली देन यू विल बी एबल टू क्लियर दिस रिटन एग्जाम. सर मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा कुछ स्टूडेंट्स के साथ, उनको मैंने गाइड किया था. तो कुछ बच्चे होते हैं ना सर, ढीठ होते हैं, मतलब दे आर ऑल इन टू दिस सोई वोई वर्ल्ड, मतलब फैंसी चीजें उनको दिखती है, पैरा एस एफ नाइन पैरा ये वो, और अपने आप का स्कार्फ लगा के पोजिंग एंड एक्टिंग लाइक अ फौजी, पोजिंग एंड एक्टिंग लाइक एन ऑफिसर. बट जहां पे बात आती है रिटन एग्जाम की तो कभी कोई पेपर नहीं पास हो रहा. ऐसे बच्चे मुझे भी मिले, बड़ी उनकी मदद भी करी मैंने, पर उन्होंने दे नेवर लाइक रोज अप टू माई एक्सपेक्टेशंस. कुछ ऐसे बच्चे थे जो नॉर्मल बच्चे थे, नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट थे, उनको मेहनत कराई, पास हो गए, अकेडमी भी चले गए. तो सर ने जैसे सही बात बोली कि ऑल कम डाउन टू योर हार्ड वर्क एंड योर लाइक अप्रोच, कि आप कर कैसे रहे हो, है ना. तो बिना मेहनत को तो कुछ नहीं होगा. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग राइट नाउ, आई वुड से टेक प्राइड इन व्हाटएवर यू आर वेयरिंग, यू नो, फॉर प्रमोशन ऑफ द आर्म फोर्सेस, इट्स हाईली अप्रिशिएटेड. बट क्या आपको पता है दैट द शर्ट्स दैट यू वेयर, you know, and how you portray yourself, it is to be earned. It is to be earned. It's very easy for somebody to wear a shirt, you know, jispe kuch para likha hai, kuch likha hai, but things don't come easy, trust me. It comes with shedding lot of sweat, blood and toil. Yes sir. Ragda le leke hamari aatmaon ko takleef hoti hai. And that is when we earn the right to wear it, to don the uniform. ठीक है, अब मैं एक और, मैं ना कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ फ्रॉम द माइंड सेट ऑफ द यूथ. ठीक है, पहली चीज तो सर्जिकल स्ट्राइक इज नो वर्ड फॉर द आर्मी. ठीक है, इट इज प्रोफेशनली इट इज कॉल्ड रेड, RAID, रेड. Raid is when you go attack the enemy on his ground, on his territory, maximum attrition to the enemy and damage to the enemy, lot of casualties, and then you fall back. That is what actually has been happening. Chahe Myanmar wali raid hoye, jisme 6 Dogra ke ladke shaheed hue the, or be it Uri, whatever was done is called raid. That's the actual military term. सर्जिकल स्ट्राइक इज रिलेटेड ओनली टू एयरफोर्स. तो कृपया कीप इट इन योर माइंड व्हेन यू गो फॉर योर एसएसबी. किसी ने पूछ लिया ना, हाँ बेटा टेल मी व्हाट इज रेड एंड व्हाट इज सर्जिकल स्ट्राइक, तो थोड़े फिल्मी मोड में मत आ जाना. आई एम टेलिंग यू रियलिटीज ऑफ लाइफ. सो जो भी आज तक हुआ इट इज रेड. ठीक है, पर लोगों की टर्मिनोलॉजी, किसी पॉलिटिशियन या मंत्री ने बोल दिया भाई सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, सारे उसी के पीछे लग गए सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक. देन वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन हू इज वाचिंग, मुझे हंसी आती है कई बार ये बताने में, डू यू रियली थिंक कि ये सर्जिकल, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक इन योर पॉइंट ऑफ व्यू
एंड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू द रेड दैट ये जो रेड हम कंडक्ट करते हैं ये पहली बार हुआ था क्या पूरी के टाइम और बर्मा में जो किया है यू थिंक दैट द फर्स्ट टाइम नो इट इज जस्ट दैट दे हैड बीन डन एन नंबर ऑफ टाइम्स बिफोर ऑल्सो ठीक है when the enemy used to try and dare to take the head of one of our boys we used to get 4 to 5 heads of their bloody chaps of those bastards we used to go get just to give a reply ki ek ka pehla hai na bacho hum tumhare 10 pehl ke aayenge aur tumhari auqat hai to aake dikhana tab dekhenge kya kar sakte ho so that is the bloody thing ki you know things were happening before This with the same intensity, josh, jazba, janoon. ठीक है, with all that anger, you know, you were like ferocious. कि यार इनका तो लेके ही आना है. कुछ ना कुछ तो लेके आना है. हाथ, पैर, उंगली, सर, लेके आना, दिखाना है. ये लो भाई, इसका इसे पेल क्या है. हथियार तो लेके ही आते थे सालों का. ठीक है. So that is the thing. कि things मतलब they must be sounding rosy, attractive. It has been happening since quite a while. It is just that इस प्रकार में अभी बताए तो youth lure हो गया है. I understand. Paraphys does it. Infantry also does it. So please try and also जो गढ़वाल के हैं, जो राजस्थान के हैं, जो यूपी के हैं, जो कलकत्ता के हैं, ठीक है, जो महाराष्ट्र एमपी के हैं, भाई infantry, they are infantry peltons. 90% of the nafri which you see in pehle to it is not para log para kehte hai bhai it is wrong terminology it is para and by para you mean it is paratrooper who jumps from the parachute from the aircraft yes and it is called balidan because they are airdropped into right into the enemy so it is a big sacrifice because when they are going into war they know ki they will not be coming back they have to hold ground till our foot soldiers infantry reaches infantry is like a bulldozer it's an unstoppable bulldozer jo aage jaati rehti hai there is no stopping it there is no obstacle for infantry na hame minefield rok sakta hai na hame koi air attack rok sakta hai na hame enemy ke ground forces rok sakte hai ना एनिमी की आर्मर्ड फोर्सेस रोक सकते हैं टाइम डिले हो सकता है सो द मेन फाइट फॉर इन्फेंट्री टाइमिंग की यार मैं जल्दी टाइम से पहुंचू व्हाई बिकॉज जो लड़के गए हैं बलिदान देने वो हैव बीन एयर ड्रॉप्ड वी हैव टू रीच टू देम एट द अर्लीस्ट एंड होल्ड ग्राउंड एंड फिर पैराट्रूपर्स एंड इन्फेंट्री गेट टूगेदर एंड प्लान द ऑपरेशन एंड द प्रोसीड अहेड तो जो पैरा एसएफ के ट्रूप्स करते हैं वो इन्फेंट्री की घातक भी करती है भाई दैट इज व्हाई घातक इज द शार्प एज ऑफ द नाइफ इन्फेंट्री व्हेन इज गोइंग टू पेनिट्रेट इनटू समथिंग टू हिट द एनिमी हार्डेस्ट व्हेन द एनिमी इज एक्सपेक्टिंग इट द लीस्ट तो घातक इज एयर ड्रॉप्ड बिहाइंड एनिमी लाइन्स जस्ट लाइक हाउ पैराट्रूपर्स ऑफ स्पेशल फोर्सेज एंड नॉर्मल एयरबॉर्न troops are sent in so they are also specialized platoons ghatak ka matlab kya hai deadly so that blow is going to be fatal to the enemy so there are much more to logo ne aur youth ne jo ki one track mind liya hua ne ki sirf sf baki kuch hai nahi beta koi baat nahi training karke zara aana aur jab declassification aur milegi na infantry wagera So you will get to know where you are coming and how you will tackle in the tough terrains and in the most worst of conditions you will be operating and SF is definitely tough probably a step tougher than infantry and airborne that is why it is like special forces then airborne then infantry ghatak rather So that is how it is rated, you know. And so basically, मेरा ये कहने का मैसेज है कि जो कहते हैं ना, I want to go into para and everything. भाई, James Bond बन जाओ physical में, पढ़ाई में be a hotshot. पढ़ाई तो photographic memory कर लो कि जो मैं देख रहा हूँ एक बार छप जाना चाहिए मेरे मन में. That is the professional level of
SF. They are held in very high regard within the forces, even within infantry. And the best part is we get along well with the SF and the airborne forces because 90% inki nafri infantry se hi jaati hai. Yes. The composition of these boys are from infantry most of the times. Other arms ke bhi officers and JCOs to nahi, jawans aate hain aur officer aate hain. But 90% are infantrians. So mindset to wahi hai. It is just that you are going to get a domain where you are going to prove yourself by clearing the probation and then you have the privilege of entering into war before others and set up your own plan. Yes, sir. Great, sir. So, sir, एक चीज और थी जैसे लास्ट वाले में आपने SSB के बारे में बताया. मेरा, I believe you have a friend in Ate Rajref, but don't mention his name here. And I'm glad that you have a friend who's in Ate Rajref. Good. Good, Josh. Yes, sir. तो काफी सारे हैं सर. शिवम, I just sorry for to interrupt. जितने भी आज की जो है ना the generation. Audience. ये जनरेशन खेलती है कि भाई मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा हूँ, मैं वर्ल्ड एट वॉर खेल रहा हूँ. भाई ट्रस्ट मी, वो सारे इन्फेंट्री वाले ही हैं जो गन्स लेके सारे ट्रूप से इकट्ठे जाते हैं. दे आर ऑल इन्फेंट्री. ठीक है, कुछ कुछ ही गेम्स है जिसमें SF वाला रोल्स दिखाते हैं, बट 90% आर ऑल इन्फेंट्री, जिसमें कॉल ऑफ ड्यूटी या गॉड ऑफ वॉर इन सब जो भी गेम्स होती है इनमें इन्फेंट्री का ही रोल दिखाते हैं. मेन फाइटिंग आर्म तो सर मेनली वही है ना, इन्फेंट्री है. फुट सोल्जर इज द कोर. फुट सोल्जर नहीं होगा तो फिर कैसे होगा काम? एग्जैक्टली. एवरी टाइम फुट सोल्जर का एंड दे आर रूथलेस, यू नो, रूथलेस. इन्फेंट्री में भी यू नो, मतलब इन्फेंट्री इज वन आर्म विच गेट्स रेडी टू बैटल विद बेयर हैंड्स. कि भाई चलो अब चार्ज का ऑर्डर आ गया है. Means move out of your position, run into the enemy. You know you're facing death, yaar. You know bullets are coming your way. So there is no other way out. You have to go in one direction, one way. Yes, sir. And I'm glad, sir, you're increasing the knowledge regarding Indian Defence Forces. You are supposed to know all this, yaar. Exactly. Thank you so much. पछताना इज नॉट एन ऑप्शन. फिर यार देन यू फिर यू एंजॉय. देयर आर फ्यू टर्मिनोलॉजीज व्हिच आई डोंट वांट टू यूज हियर, बट व्हेन समथिंग इज इनएविटेबल यू ब्लडी फेस इट. व्हेन डायर कॉन्सिक्वेंसेस आर इनएविटेबल, व्हेन यू नो कि साला कुएं में छलांग मारनी है, तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि भाई खुद ही बाहर निकलूंगा. बैटमैन ने भी देखी है ना, बैटमैन को भी किसी जगह पे डाल देते हैं ना, तोड़ मोड़ के मार पीट के, वो अपने आप ही अपनी बॉडी को सॉलिड करके देन ही क्लाइम्स अप एंड मूव्स अप टेक रिवेंज. बैटमैन रिटर्न्स या जो भी है, तो इट इज लाइक दैट भाई. यू हैव टू राइज अप फ्रॉम द एशेस ऑफ लेजीनेस, नेगेटिविटी, गिविंग अप होप, लो मोरल, इन सब चीजों को गिव अप कर दो यार. इनमें कुछ नहीं रखा है. बी फुल ऑफ जोश. जोश टाइप. सर एक चीज आती है समझ, सर जैसे हम बात कर रहे थे अभी पैरा वालों की और ये सब की, तो सर ये तो बाद की बात है, जब ये लोग अकेडमी जाएंगे, कमीशन होंगे, जब चॉइस ऑफ आर्म्स आएगा तब ये लोग पुटअप करेंगे. एंड बेसिकली वो चीजें तो डिपेंड करती हैं कि मेरिट में क्या रहेंगे, उनका परफॉर्मेंस अकेडमी में कैसा है. तो अभी मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा सर, SSB को लेके ना एक चीज थी, हम जैसे आज का मेन मुद्दा SSB ही है, तो साइकोलॉजिकली अगर मैं बात करूं, जैसे साइक टेस्ट होता है SSB में, आप भी जानते हैं एंड यू हैव बीन थ्रू साइक टेस्ट आल्सो व्हाइल ड्यूरिंग योर SSB, और जब आप ऑफिसर बन गए, तो एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क ये लोग कैसे डेवलप करें, साइकोलॉजी को ये लोग अपने कैसे बनाए, ये ऑलरेडी सोल्जर लाइक इनकी मेंटेलिटी होने लगे, ऑलरेडी जो है जब SSB में जाए तो इनको चीजें आसान लगे, वो साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क कैसे डेवलप करें, जो कि एक ऑफिसर का होता है या किसी सोल्जर का होता है मेनली. सर मैं पहले ही बोल चुका हूँ, फर्स्टली जो जॉइन NCC, यू वांट टू हैव अ सोल्जर माइंडसेट, जॉइन NCC, नेशनल कैडेट कोर. अब तो NCC में भी इंसास राइफल आ गया है, मतलब सो यू नो
you are already training onto a weapon which is already there in the armed forces. SLR ke sath drills hoti hain, theek hai, and you know, 303 wagera time gaya, to ye NCCs also become upgraded yaar. Aapke paas Bruno hai, Yugoslav wali, Czechoslovakian 0.22. That is as good as a sniper yaar, bilkul thak karke pinpoint nishana jata hai uska. Abhe, I will answer all the viewers questions also. Ghatak aur Ushab ka question aa raha hai. I will answer your queries first. Firstly, मैं आपको ये बताता हूँ, SSB में जो आपका पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है, मेरी बात अब बहुत ध्यान से सुनना, जो पिक्चर परसेप्शन टेस्ट में जो आप लिखते हो इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर अनकॉन्शियस माइंड. गॉड डैम इट, अगर आप नेगेटिव हो तो क्यों लेंगे? अगर एक पिक्चर दिखाइए जिसमें अ गर्ल इज ऑलरेडी लुकिंग इन टू द फेस ऑफ द सी, ठीक है, ड्यूरिंग सनसेट, तो अगर आप डिप्रेशन और नेगेटिविटी से भरे हो तो बोलोगे she's planning to go commit suicide, she's depressed, morale down, ye wo, aisa kuch nahi hai bhai. Bolo, she is thinking of avenging the country after the Pulwama attack, and she's thinking very deep by looking at the waters that Bombay attack, Mumbai attacks were done through these waters. I will cross these waters, I will go and I will also take revenge after becoming an army officer. I will be some worth to my nation. I will now on start working hard for SSB. I will start studying hard. I have an objective and goal in life now. ठीक है, तो आपको बहुत ही positivity से जवाब देना है. ठीक है, you can't be negative कि उसकी लड़ाई हो गई मदर के साथ, वो रूठ गई, वो चली गई सी फेस पे, उसके ख्याल अजीब से आने लग गए उसके, and she decided that she will not talk to her parents for 2-3 days, ye wo natak and all that. Bhai ye sab wo bc kehte hai na, baat cheet nahi, dusra word, I'm sure what I mean, bc nahi chalegi bhai wahan pe, they are not going to take crap. Theek hai, dekho army mein ek funda hai, firstly don't take shit because people will give you shit, so firstly stop taking shit in life. Theek hai, and obviously don't even give shit because then kindly expect what you give to others also. Yes, so be yes, a balanced yes. personality in life bhai, what goes around comes around, karma is very important and it is true, so you have to be a very balanced personality. Apne ego ko side pe rakho, don't react immediately to a fight or any abuse or gali, baitho socho kyun diya, why was that person pushed to that limit. यार तुम्हें ना उसको कोई साइकोलॉजिकली उंगली की होगी ना, या उसके लिए ऐसा माहौल बना दिया कि उसने तुम्हें गाली दे दी या कुछ अपशब्द बोल दिया. तो फर्स्ट नो इनिशिएशन पॉइंट क्या होता है इन अ प्रॉब्लम, सो टिल द टाइम यू डोंट नो द इनिशिएशन पॉइंट ऑफ अ प्रॉब्लम, हाउ कैन यू से यू हैव अ सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम यार. एग्जैक्टली सर, तो साइकोलॉजिकली काफी मतलब मैच्योर आउटलुक की जरूरत होती है. सर ने सही बोला कि आपको मैच्योर बनना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे प्रोफेशन में जा रहे हो जहां पे जीवन और मरण का सवाल, लाइक यू आर गोइंग इनटू प्रोफेशन ऑफ किलिंग, यू विल बी गेट पेड टू किल, एम आई राइट सर? एंड वहां पे आपके डिसीजंस पे लाइफ डिपेंड है यार, वहां पे आप जो डिसीजन लोगे उस पे लोगों की जान जा सकती है, तो आप बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर सकते वहां पे. वो अच्छा है कि सर इतना ग्लैमर हो गया है आजकल, ग्लैमराइज हो गया है, हम लोग रील्स बना देते हैं, वीडियोस बना देते हैं, पैरा एसएफ एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स जा रहे हैं, नेवी के शिप्स जा रहे हैं, और बच्चों को मोटिवेशन मिलता है. पर सर व्हेन इट कम्स गोज डाउन टू वर्किंग हार्ड, रातों को जग जग के पेपर की तैयारी करने की जब बात आती है, फिर पुराने साल के 10 साल के पेपर सॉल्व करने की बात आती है, तब ये लोग फिर हाथ पैर छोड़ने लगते हैं कि यार ये तो हो नहीं पाएगा, अब तो अब हमारे बस की नहीं है. पर एंड रिजल्ट तो वही है ना सर. सर आप तो ऑफिसर रहे हो, ये चीज ना मैं पूछना चाहता था, ये मैं सबसे पूछता हूँ और ये मैं आपसे भी पूछूंगा. इनको लगता है कि सर फौज में जाने के बाद चलो एक बार हम पढ़ लेंगे, मजबूरी मन मार के पढ़ लिए, चलो पेपर पास करना है कैसे भी करके पास कर लेंगे. सर फौज में जाके क्या पढ़ाई बंद हो जाएगी, या अकेडमी में जाके पढ़ाई बंद हो जाएगी सर्विस लाइफ में? सर सर हंस रहे हैं इस बात के. तो फ्रैंकली स्पीकिंग, जो भी व्यूअर इज व्यूइंग, शिवम हाउ मेनी व्यूअर्स डू यू हैव राइट नाउ? सर अराउंड 40 के आसपास है सर. ओके, नाउ लेट मी टेल दिस व्यूअर्स,
आई वॉज थ्रिल्ड व्हेन आई गॉट थ्रू फौज. मैंने कहा पढ़ाई से छुटकारा शुरू. आई डिड नॉट नो मैं उसी के कुएं में छलांग मार रहा हूँ. सो बेसिकली एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ना देर इज अ फॉर्म दैट दे गिव यू, वो आपको भरना पड़ता है. उसके अंदर बेसिकली देर मल्टीपल एग्जाम्स. इट्स लाइक पार्ट बी, ठीक है, एंड पार्ट डी एग्जाम. तो इसके अंदर भाई दे विल टेस्ट योर कैलिबर एज एन ऑफिसर ऑल्सो. कि ऑफिसर तो है, इसमें काबिलियत कितनी है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की, कितना अच्छा है. सो यू विल ऑलवेज बी जज्ड एवरी डे एवरी सेकेंड इन टर्म्स ऑफ योर फिजिकल एबिलिटी, योर ओवरऑल फिजिकल अपियरेंस. एंड थर्डली यू विल, व्हेन आई से फिजिकल अपियरेंस आई मीन फिजिकल एबिलिटी. मैं ये नहीं बोल रहा मॉडल की तरह लगोगे तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा. नो, यू आर गोइंग टू बी किलिंग मशीन्स. सो दे आर बेसिकली कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज योर केपेबिलिटी, एबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क, योर डेडिकेशन, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी. ठीक है, अगर फौज में रह के लेट बैक हो गए यार, सॉरी, ऐसे सरकारी मेंटालिटी नहीं चलेगी भाई फौज में. इट इज नॉट अ सरकारी बाबू प्लेस दैट यू आर गोइंग कि भाई इतने से इतने बजे तक ही होगा, फिर भाई किताबें रखो, काम छोड़ो, जाओ. आई एम टेलिंग यू, आर्मी में यू आर ऑन ड्यूटी 24/7 365 ऑल योर लाइफ, इवन आफ्टर यू रिटायर. यू हैव रिटायर्ड, फर्स्टली वंस एन ऑफिसर ऑलवेज एन ऑफिसर. सो वन कैन नॉट से आप ऑफिसर थे, बिकॉज यू विल से यू आर एन ऑफिसर, यू आर अ रिटायर्ड ऑफिसर. सो वॉट एवर क्वालिटीज आर देयर आर गोइंग टू बी इन फॉर अ लाइफ टाइम विद यू. ठीक है ना? तो दैट इज द थिंग कि आपको यू नो यू हैव टू बी अपग्रेडिंग योर सेल्फ. जो मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, सिविल में रह के यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ कंसिस्टेंटली, कीप डूइंग कोर्सेज. ठीक है? सो द सेम थिंग दैट आई एम सेइंग इज दैट आर्मी में भी आके कंसिस्टेंसी, यू हैव टू कीप हैविंग मोर नॉलेज, यू हैव टू हैव मोर आइडियाज, मोर इनोवेशंस. You know, you got to actually know what your job is and perform. Uska test hota hai. You have to clear these exams so that you can move ahead. Theek hai, by the, so there are many things to it. You will not be promoted if you don't clear Part D, bhai. Theek hai, aap colonel nahi ban paoge, aap baithe raho phir. So there, yes, sir. Aapko every level of rank, there will be a testing time, yaar. They will push you to the limit where you have to prove yourself. Nothing's going to come easy. And there are no free lunches. वो attitude तो है ही नहीं फौज में. मैं चापलूसी कर लूंगा, मैं थोड़ा मिठाई खिला दूंगा. पहली चीज तो जो मिठाई तुम दोगे भी, first thing that officer will say, भाई वो distributed amongst all the boys. ये बंदों को खुश रखो यार, बल्ले, good. फिर आएगा, हाँ भाई आ बैठ. तुझे काम दिया था, हुआ या नहीं? Have you done your task? No sir, actually sir, I got stuck sir. Okay, tonight you will not go back to your house. You complete this task and then get back to me. You will give me a report only after completing the task. So, bhai, you can't have a casual attitude. Aapko boliya na presentation deni hai itne baje. To agar 10 baje ka time hai na, to 9:30 baje ek senior ke baad jaake nahi bol sakte, sir, I am not prepared. Phir woh tumhe pura mahina roz presentation dilwayenge. So, basically, you should mean what you say. Weigh your words. Coming into forge, donning that uniform is not a joke. Mere muh se abhi jo bhi word ja raha hai, it has meaning to it. It has weight. Main time pass nahi kar raha hu abhi aapse baat karke. Every word that I say is what I mean. And practical, I am very practical about it. It is a reality. It is nothing fake or made up. I am not showing you a rosy picture in life. I am sorry. You want to see a rosy picture? Immigrate to US or something, bhai, foreign chale jao. Wahan pe bahut sare rosy environment hai, chill maro jaake. India mein rehna hai, tough. World power banana hai na country ko, to pehle ragda chalta rahega. We have to come up to that level of comfort. Wo kab hoega? Till the time you are tough. Yes, I will sir. Tell an example to all the viewers. America hai, Vietnam it lost. Iraq, in a way, it lost because it withdrew. ठीक है? There is still chaos in Iraq. It's not a success. Syria में इतना destruction हो गया. There is no final solution to Syria.
टिल रशिया केम एंड मैनेज थिंग्स. ठीक है, अफगानिस्तान में गए, फोर्थ कंट्री, केओस इन अफगानिस्तान. ठीक है, दे हैव लॉस्ट द वॉर एंड कम आउट. ठीक है, यू नो यू कांट बी इन अ पोजिशन ऑफ डिनाइल. अगर आपको लगता है ना कि अगर यू नो यू हैव टू लुक इनटू योर आईज इन द मिरर, वुड यू आस्क योरसेल्फ, यार मेरी क्या इतनी औकात है, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मेरे बस की है, एंड यू विल गेट द आंसर. अगर बस की है तो करोगे, बस की नहीं है तो वर्क हार्ड फॉर इट, बट यू कांट गो इनटू बेड एंड स्लीप एट ईज विदाउट एनी टेंशन. लाइक अलार्म, जब आप अलार्म लगा देते हो ना, आपके मन में रहता है भाई अलार्म लगा दिया है. ठीक है, सो दैट हैज टू कॉन्स्टेंटली कीप टिकिंग इन योर माइंड. सुबह उठना है, उठना है, उस माइंडसेट के साथ सोओगे, कई बार अलार्म से पहले उठ जाओगे. आज की जनरेशन देख लो, चार चार अलार्म लगाते हैं, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 15 मिनट सीक्वेंस में लगाते हैं. आई सी माय कजन डू इट, माय कजन इज डन इट. आई सेड ये क्या नाटक है, ये 5 अलार्म. कहते हैं अरे भैया वो ना मैं पहले मतलब सुनता हूँ कि हाँ सुबह हो गई है, पता लग जाता है, फिर मैं थोड़ा रेस्ट करके फिर 10 मिनट बाद थोड़ी सी ना नींद डिस्टर्ब होती है, फिर तीसरे अलार्म में नींद खुलती है, चौथे अलार्म में मैं उठता हूँ और पांचवा अलार्म लगाता हूँ कि नहाते टाइम जब सुनाई दिया तो भाई अब डेडलाइन है, अब जल्दी से नहाना खत्म करो, तैयार हो जाओ और जाओ. मैं कहा ये कौन सी प्लानिंग है भाई, हमारे टाइम तो एक ही अलार्म होता था बेसिकली. वो एक्चुअली हमारी बॉडी क्लॉक ऐसे बन जाती थी, वी नेवर यूज टू यूज अलार्म. हमें पता था टेंशन है, आधे टाइम तो नींद नहीं आती थी, उठना है उठना है उठना है, और फिर उठ ही जाते थे एंड देन द डे यूज टू बिगिन. तो बी वेरी अपराइट इन योर अप्रोच टूवर्ड्स एवरीथिंग बिग और स्मॉल. अब मैंने कई यूथ को देखा है, यार बेड कौन बनाएगा, ये कोई करने की चीज है, यार कपड़े कौन धोएगा, कपड़े धोने की चीज है धोबी को दे दो, यार यार पहले खुद एफर्ट तो करो. You should know how it is to wash your own clothes. Me as an officer, मैंने खुद के कपड़े धोता था मैं. Where I was at places where there were no washing machines, field area में. ठीक है, नदी के normal पानी के साथ कपड़े वपड़े धोते थे, फिर उसी पानी को double boil करके वही पीते थे छान के, water purifying tablets डाल के. तो अगर आपको लग रहा है ना, oh, I'm going to be an officer, man, तारे लगने वाले हैं, मैं बंदियों के सामने style मार रहा हूँ, टशन रहेगा यार मेरा, and I'm going to improve on my accent, this, that, bloody, all that will go out of the window the moment tumhe reality pata chalegi how difficult a soldier's life is, living in a jungle, living in a cut off post, there is no backup, there is going to be no reserve for you to come and take you out from trouble. theek hai, to bhai wrong notions, main yahan pe galat fahmiyan dur karne aaya hu yaar. मैं गलत फहमी दूर करने आया हूँ. ज्वाइन द आर्मी, आई एम नॉट डिस्करेजिंग, ज्वाइन इट जोश के साथ, पर होश मत खो बैठना, क्योंकि जब होश संभालोगे ना जोश के बाद, तुम यू टिक नहीं पाओगे. फौज में आने के बाद लड़ाई एक और अलग से शुरू हो जाएगी, टू प्रूव योर सेल्फ टू द ट्रूप्स, टू द ऑफिसर्स. तुम्हें क्या लगता है, तुम तारे बहन के आगे तुम पलटन जाओगे, तो बोलेंगे अरे साहब जय हिंद, सल्यूट ठोकने वाले हैं ये वो. भाई ईगो बहुत ही है, जो जवान ने 10 साल नौकरी और घस्सा खाया पलटन में, वो लेफ्टिनेंट को देख के ही विल बी ड्यूटी बाउंड टू सल्यूट, करेगा सल्यूट, यस यू सल्यूट बैक. बट उसके बाद जो ऑपरेशन में भाई, जब वो हंडावा वॉरियर है यार, ही इज अ सीजन्ड वॉरियर, उस पे 20-25 केजी, 30-35 केजी का पिट्ठू होएगा, you'll be literally jogging and running, और तुम हाँ परे हो गए as a new officer, भाई इनके साथ catch up करना है. इसके दो पहलू हैं, पुराने soldier को लगता है I can't give in, I can't show my weak side, I have to be a stud, भाई मुझे तो जुर्बा है, और नए अफसर की लगी पड़ी होगी यार ये कैसे कर लेते हैं, तो फटी दोनों की रहती है, नए की भी पुराने वाले की भी. So the thing is, पुराने वाले को अपना वो maintain करना होता है, नहीं I'm a seasoned soldier, bloody balls, I'll do it. ठीक है, मैं इससे आगे जाऊंगा. And actually, I've seen, मतलब मेरी कई बार बत्ती बंद हो जाती थी यार, कि JCOs इतने तकड़े पुराने पुराने होते थे,
ठक 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 करके चढ़ गए, मैं मेरे पसीने आ रहे हैं चढ़ने के टाइम। मैं कहा यार हाउ डू दे डू इट, बट ओवर द इयर्स यू नो मुझे टेक्निक आ गया। फिर बाय द टाइम मेरे जूनियर है तो मैं स्टाइल और टशन मारने लग गया, लो भाई यू कैन डू दिस ब्लडी पिडली लिटिल थिंग, व्हाट क्रैप लड़ी कैलाश, इसका और वजन डालो इसके पिट्ठू में और भगाओ इसको। फिर भाई पीछे मुड़ के मैं पसीना पहुंच के मैं चले जाता था अपने रूम पे, मैं कहा भाई चलो मेरी मेरा काम हो गया, आई हैव डन माय बिट। सो यू नो कॉन्स्टेंटली यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ यार, यू कांट बी कि यहाँ पे तारे पहन लिए हो गया, नो ऑफिसर इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी, यू आर ऑलवेज कमिटेड। यस सर। और सर जैसे एक आध दो मतलब काफी सारे बच्चों का फोन, सर बच्चे बोल रहे सर आपने आंखें खोल दी, मतलब इतनी ज्यादा रियलिटी वाली बातें बता दी आपने कि हम तो अलग ही फैंसी जोन में थे। एंड आई थिंक सर ने जो बातें करी है वो सच्ची बातें करी है सर। सर तो एक सीजन सोल्जर रहे हैं, सर ने यूएन में सर्व किया, एंड वो जो लास्ट वाला जो सर हमारा जो लाइव था इट वेंट ऑन फॉर 3 आवर्स ना, तो उसमें काफी सारी चीजें सीखी बच्चों ने। तो पिछली बार सर कुछ बच्चों की ना डिमांड आ रही थी, मैं वो 3 घंटे उठा नहीं मैं चेयर से। हाँ सर, सर मैं भी नहीं उठा था, मैं लास्ट में उठ गया था, पर सर ने नोटिस कर लिया था कि जो आखिरी में पलक झपकेगा वो जाएगा। तो यस यू डोंट हैव टू यू नो इफ यू आर आस्क्ड टू स्टे स्टिल टिल द एंड यू गॉट टू स्टे स्टिल, ठीक है। अगर कोई बोलेगा ना अब हिले तो गए। स्नाइपर ट्रेनिंग यार, आई हैव रेज्ड प्रॉपर स्नाइपर टीम्स, ठीक है, मैंने उसमें देखा है यार पेशेंस इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। अगर स्नाइपर इतना आसान होता बनना सभी बन जाते यार, सबकी बस की नहीं है। एक टारगेट मिलता है 6 घंटे में, एक टारगेट वो भी थोड़ा सा दिखाई देगा, कितने टाइम के लिए, 10 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए। उसमें भी मैंने देखा है बंदे ऐसे लगे लगे, मैं कहा जोशा साहब साहब बड़ी पेल देंगे, वो करते करते वो भाई सो ही जाता है सुबह के 3:30-4 बजे ना, ऐसे ऐसे सो रहा होता है, ऐसे प्यार से टारगेटिंग जा रहा होता ही। फिर हम वहां पे बोलते हैं भाई टारगेट निकला, फिर ऐसे उनकी बत्ती खुलती है ना, है साहब नहीं नहीं कुछ नहीं निकला अभी, तो मैं तो उठा ही था शुरू से। Somebody asked मन्नू अन्ना हैव यू अप्लाइड फॉर पैरा, Yes, I tried to apply for para, but that file came right on my face. मेरे मुंह पे फाइल मारी गई थी और बोला था Lieutenant Summer, you are running away from responsibilities. तुम डर गए हो. You cannot live up to the challenge of infantry. तो मेरी ये that is the situation that I had faced. Despite knowing कि मेरी पलटन UN जा रही है, I knew the odds, and despite that, and probably I don't know, you know it's all destiny at times, ki main 4 mahine 23 din ek post pe tha, got all my men down, evacuated one during cut off safely, no casualties, no frostbite issue, and wapas aate time ha bhai yes maratha light infantry has a ghatak, every infantry platoon has a ghatak, and ghatak is like the para sf of a infantry platoon, जो आप लोग अब देखते हो ना पैराज गॉड, आई डेफिनेटली से यार दे आर द बेस्ट, दे आर बेटर देन द बेस्ट, ठीक है ना। एक तो बेस्ट होता है, दे आर नॉट द बेस्ट, दे आर बेटर देन द बेस्ट, ठीक है। सो दे आर बेटर, इन्फेंट्री इज द बेस्ट बट दे आर बेटर देन द बेस्ट, ठीक है। शुभम यू विल गेट टू नो विच रेजिमेंट आई वॉज फ्रॉम, आई वॉज फ्रॉम राजपुताना राइफल्स, वीर भोग्या वसुंधरा, एंड यू नो तो मैं वही बता रहा हूँ कि देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट द यूथ आर स्टिल नॉट अवेयर अबाउट थिंग्स, यू नो देयर इज नो बेसिकली देयर इज नो बैज, देयर इज नो प्रॉपर बैज और प्रॉपर मॉड्यूल ऑफ ट्रेनिंग फॉर स्नाइपर, इट इज जस्ट दैट यू आर इन द पल्टन एंड देयर स्नाइपर कार्डर्स कैरिड आउट, एंड इफ यू रियली डू वेल इन द इफ यू आर अ गुड फायरर, पहली चीज तो अगर तुम्हारा फुद्दू जैसा निशाना है तो कोई बोलेगा कि भाई तुम्हारा एक गोली एक दुश्मन नहीं मीट हो रहा है, सॉरी, बिकॉज भाई स्नाइपर की गोली अब भी महंगी है। तो इंडियन आर्मी में वी डू नॉट वेस्ट द स्नाइपर बुलेट, बिकॉज दैट बुलेट हैज इट इज डिफरेंट देन द अदर बुलेट्स, स्पेशल होती है वो,
ठीक है ना, तभी क्वाइटली हेलो बोलने जाती है सर में, हेडशॉट हेलो. सो दैट इज द थिंग दैट इफ यू आर अ मार्क्समैन इन योर बेसिक आर्म्स, ठीक है, आप अपने असॉल्ट राइफल में मार्क्समैन हो, आप पिस्टल फायरिंग में मार्क्समैन हो, आप ग्रेनेड लॉबिंग कर सकते हो, सब कुछ करते हो, तो देन यू आर लाइक यस, फिर दे विल कंसिडर कि हाँ यार इसमें दम है. आर्मी डजंट वर्क इन दैट वे कि सर मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, ये कर लूंगा, मैं ही जाऊंगा, आई विल डू इट. भाई कैसे पता उसे यू विल डू इट? तो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ ओवर द इयर्स. भाई लड़ाई फौज की ट्रेनिंग में नहीं खत्म होती, फौज में जाके शुरू होती है. सो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, आई एम अ गुड फायरर. फिर योर सीओ विल अपॉइंट यू, ओके यू गो ट्रेन द स्नाइपिंग स्नाइपर टीम एंड यू योरसेल्फ गेट इन्वॉल्व विद द स्नाइपर टीम. तब आप स्नाइपर टीम में शामिल होते हो. देन द स्नाइपर टीम्स गो टू प्लेसेस लाइक आई विल नॉट नेम द प्लेसेस, बट यू आर सेंट टू डिफरेंट प्लेसेस वेयर मार्क्समैन यूनिट ट्रेनिंग सेंटर्स एंड ऑल आर देयर एट डिफरेंट प्लेसेस. आई डोंट वांट एनीवन टू टाइप, आई नो वेयर इट इज, यू ऑल्सो नो. सो बेसिकली आप जाके वहां पे स्पेशलाइजेशन लेते हो यार. एंड बाय द वे यू विल बी सरप्राइज्ड, यू विल हैव बेलारूस, अभी था ना रशिया ने बेलारूस, तो स्नाइपर कॉम्पिटिशन फॉर इंडियन आर्मी हेल्ड इन बेलारूस. सारी आर्मी के बेस्ट स्नाइपर्स गेट टुगेदर एट बेलारूस फॉर स्नाइपर कॉम्पिटिशन वर्ल्ड ओवर. तो मैंने इतना सा बता दिया, इंडिया से भी टीम्स जाती हैं, ठीक है. तो दैट्स द थिंग. यस सर. अच्छा सर एक चीज आ रही थी अभी, जैसे एक बच्चे ने पूछा कि सर आप साउथ सूडान को क्यों प्रोटेक्ट करते हो, सर आप यूएन में थे, तो किसी बच्चे ने पूछा कि सर आप साउथ सूडान को प्रोटेक्ट क्यों करते हो. सर मैं एक ना यूएन वाला टॉपिक था ना, आप यूएन में आपने सर्व किया है, तो ओवरऑल इसको ले लेते हैं. आई थिंक बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है, फिर से पूछा है इसी बच्चे ने कि यूएन का क्या रोल है, मतलब ओवरऑल रोल क्या है यूएन का, और जो यूएन में ट्रूप्स जाते हैं अलग अलग कंट्रीज के, हमारी इंडियन आर्मी के, व्हाट दीज गाइज एक्चुअली डू. सर थोड़ा सा उस बारे में थोड़ा सा इलैबोरेटेड बताना, ताकि इनको ना कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े इस चीज को लेकर बच्चों को. द बेस्ट एंड द क्रीम ऑफ इन्फेंट्री एंड द इन्फेंट्री ऑफिसर्स आर सिलेक्टेड टू गो फॉर यूएन मिशन. अगर आपको लग रहा है ना कि यार ऐसी रैंडमली नाम आ जाएगा और चले जाओगे, इट डजंट हैपन दैट वे. सो अगेन यू गॉट टू बी बेटर देन द बेस्ट, ठीक है. तुम चिल मार रहे हो और कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे हो, पढ़ाई में भी नॉर्मल चल रहे हो, फिजिकल में भी ठीक है यार, सॉरी मीडियोकर रहना है तो फिर रूटीन फॉलो करो. बट अ पल्टन विच इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, वेरी प्रोफेशनल, यू आर कैरिंग आउट योर ऑपरेशंस वेरी वेल, ठीक है, एंड दुश्मन के नाक में दम करके रखा है तुमने 24 घंटे, ठीक है, एंड यू केप्ट द एनिमी ऑन योर टोज, यू कॉज्ड कैजुअल्टी टू द एनिमी एंड डिस्ट्रक्शन टू द एनिमी एंड एवरीथिंग. सो दे सी एवरीथिंग यार. सो द बेस्ट ऑफ द you know, the best lot, the cream lot is then selected to go represent India. Shivam ke piche jo tiranga hai, bhai tum uske rajdoot ban ke ja rahi ho, you're an ambassador of peace keeping in a foreign land. Bhai mazak nahi chal raha hai. Aap kisi foreign country mein, bagane desh mein ja rahe ho with a proper weapon. You're wearing a uniform. भाई किसी और को मजा ले जो तुम्हारे. ओके नाउ वन मोर थिंग, साइकोलॉजिकली अगर हाइपोथेटिकली सोच लो कोई आपकी कंट्री में दूसरी आर्मी का आए अपनी यूनिफॉर्म में, अपने हथियारों के साथ, अपने बंदों के साथ, और आपकी कंट्री में पेट्रोलिंग करे, आपके लोगों को बोले भाई ऐसे मत करो ऐसे करो, कुछ बुरा नहीं करेगा, बट ही विल बी टेलिंग यू डोंट डू दिस, डू दिस, डोंट बी डिस्ट्रक्टिव, बी कंस्ट्रक्टिव. और सो आपको फिर भी होगा साइकोलॉजिकली तकलीफ होती है कि भाई व्हाई इज अ फॉरेन आर्मी का बंदा ऑन माय लैंड, व्हाई. सो दैट इज द लेवल ऑफ थ्रेट वी फेस एज पीस कीपर्स आउटसाइड. यार वी आर गोइंग विद अ गुड माइंडसेट, बट वहां पे देयर चाइल्ड सोल्जर्स, वो बच्चा तो ना सोचेगा दो बार ट्रिगर पे उंगली रखने से पहले कि भाई मैं मारूं या नहीं मारूं, उसका तो मन किया ठक से मारेगा ठक.
शिवम, आई कांट हियर यू। यस सर, यस सर। तो सर जैसे मैंने मेजरली बच्चों को पता लगे कि बेस्ट ऑफ इंडियन आर्मी गोज टू द यूएन, सर एक बच्चे ने पूछा था कि साउथ सूडान को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे थे हम लोग साउथ सूडान को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे थे। और सर मैं ये चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि मतलब मेजरली अगर हम बात करते हैं जहां पे यूएन के बारे में, यूएन एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो यूएन के बारे में काफी सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होगा क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, जो सीडीएस वाले अटेम्प्ट्स के बच्चे हैं, दीज गाइज नो। तो यूएन एज अ ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है वो थोड़ा सा उस बारे में आप कुछ बता सकते हो इन बच्चों को सर। फर्स्टली जो सीडीएस के लिए अपियर हो रहे हैं दे आर बॉयज एंड गर्ल्स ओनली, अभी मेन एंड वुमेन तो बनेंगे अगर एकेडमी में गए तो, एंड विद यस सर। हां जो एनडीए के बॉयज हैं, द बॉयज इन एनडीए हूएवर आर लिसनिंग, पहली चीज तो आईएमए में एनडीए में एक साउथ सूडान ब्लॉक है, सूडान ब्लॉक है इन खड़कवासला पुणे एट एनडीए देयर इज अ सूडान ब्लॉक। तो बेसिकली सूडान की हिस्ट्री हैज बीन अटैच्ड विद अस विद इंडियन, एंड वर्ल्ड वॉर टू में भी यू नो लॉट ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर देयर इन अफ्रीका, लिबिया में ऑपरेशंस किए, माय ग्रेट ग्रैंडफादर वाज मार्टियर्ड इन टूनिजिया व्हिच इज इन लिबिया नाउ, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूं कि वी हैव अ वेरी लॉन्ग लॉस्ट कनेक्शन विद अफ्रीका नंबर वन। It is not that our forces have been going there recently. पहले से जाते आ रही हैं, पहले इथोपिया हो गया, एरिट्रिया हो गया, अंगोला हो गया, जहाँ पे ब्लैक हॉक डाउन जो आप लोगों ने पिक्चर देख के भाई माइंडसेट बना लेते, वाह भाई। सो यू नो कंट्रीज लाइक दीज आर मिशंस हैव बीन, यू नो मोनुस्को है, ठीक है ना, दैट इज बेसिकली दिस अ मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप, ठीक है, एंड ये है लेबनन, इसराइल और लेबनन के बीच, ठीक है, टू बेसिकली मॉनिटर दैट नो अनटूवर्ड और अननेसेसरी अट्रिशन और डैमेजेस कॉज टू द ईदर साइड, ठीक है, गोलन हाइट्स वगैरह पे, ठीक है, यूएन का डिप्लॉयमेंट रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं एंड यू नो वहां पे क्या है, व्हाई आर वी प्रोटेक्टिंग साउथ सूडान, बेसिकली फर्स्टली इट इज अंडर द यूएन मैंडेट, तो वी आर पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस and you will take pride in knowing that we are the largest troop contributing country, TCC contingent. Yes sir, yes sir. Troop contributing country ka largest contingent is Indian Armed Forces. Aaj ki tarikh mein if India wants to pull back all the forces from UN, UN will not be able to sustain the peace and security of those regions, number one. Why are we protecting South Sudan? Because we've been asked to do so. Why? Because there's been a lot of genocide, there's been massacre, ठीक है, there has been a lot of human rights abuses, human trafficking, ठीक है, right from small girls to boys to adults have been sexually assaulted and raped and killed. So the country was in utter chaos. So the countries which are good as a democracy, they are usually the volunteer, you know, to join these the United Nations mission, ठीक है ना। तो कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि भाई इराक का कंटिंजेंट आया यूएन में, ठीक है, इट डजंट हैपन लाइक दैट। सो एंड नॉर्थ कोरिया का एटलीस्ट मिलिट्री कंटिंजेंट यूएन में शामिल हो गया। तो फर्स्टली आई थिंक नॉर्थ कोरिया का तो खैर अलग ही है सीन। सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट the best of democracies get there and then operate there to they are peacekeeping, but in our case in South Sudan when the war broke out it was force peace enforcement, wo alag hi ho gaye rules, there are different rules if you go online na, there are different chapters, so we went in with chapter 6 of the UN for peacekeeping and it was converted to chapter 7 which resulted in peace enforcement. So peace enforcement, yes, whenever yes. you feel there is a threat to UN mein kya hota hai, you fire only after you are fired upon. So threat to life is very great in UN. ठीक है, तो imagine कि आप तभी थप्पड़ मार सकते हो जब आपको पहला थप्पड़ लगेगा, basically तो थप्पड़ तो लगना ही लगना है। So basically now for the word थप्पड़ you replace it with casualty. So that is exactly, the dilemma sir. that we are कि पहले जब हमला होगा उसमें पहले कंफर्मेशन लो कि भाई मेरे पे गोली मार रहा है नहीं,
या आजू बाजू वाले पे, एंड देन इट डजंट हैपन दैट वे. गोली गोली है भाई, फायर होता है यू फायर बैक, ठीक है. एंड देन वंस इट बिकेम पीस एनफोर्समेंट, देन एनी थ्रेट टू यूएन स्टाफ और यूएन एसेट्स और यूएन प्रॉपर्टी, यू आर फ्री टू एंगेज एंड फायर एट विल. वेपन्स फ्री हो जाते हो. वेपन्स फ्री मीन्स योर वेपन इज लोडेड विद द चेंबर इन द राउंड एंड यू डोंट हैव टू पुट इट ऑन सेफ. सो एक वेपन्स फ्री एनवायरमेंट हो जाता है वेयर यू हैव फुल राइट टू ओपन फायर विदाउट एनी ऑर्डर, वेटिंग फॉर ऑर्डर और एनीथिंग. यू फील कि यस दिस इज अ प्रोमिनेंट इमिनेंट थ्रेट, यू एलिमिनेट एंड टेक आउट द टारगेट. ठीक है. यस सर, गॉट इट सर. तो आई थिंक बेसिकली सर ने पूरा क्लियर कर दिया. गुड क्वेश्चन. व्हाट वुड यू डू इफ अ चाइल्ड सोल्जर पॉइंट्स अ गन ऑन अ मिलिट्री मैन? फर्स्टली वी मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम चाइल्ड सोल्जर्स बिकॉज दे आर लाइक अ टिकिंग माइंड फील्ड यार. उनका माइंड कब चेंज हो जाए वो दिल फायर. सो आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिकॉशन यूज टू बी कि चाइल्ड सोल्जर्स से सेफ डिस्टेंस बना के रखो. And even if they, if the child soldiers used to, you know, try to head towards our direction, like we as the UN peacekeeping officers and soldiers and forces, you know, the specialist forces. So if a child soldier used to approach us also, so if we had the weapon shouldered, you know, shoulder mount kiya hua hai. So if the weapon was shoulder mounted, we never used to have a very threatening body language. ठीक है, वी नेवर हैड अ थ्रेटनिंग बॉडी लैंग्वेज एवर. वी वर वेरी वेलकमिंग टू दीज किड्स. रादर वी यूज्ड टू गिव देम फूड एंड एवरीथिंग टू ईट एंड आई एंड एट टाइम्स वी यूज्ड टू टेल देम दैट ओके यू हैव टू गिव योर वेपन. कैन यू सरेंडर योर वेपन एंड यू कम इनटू द कैंप, यू सरेंडर योरसेल्फ एंड वी विल ट्रांसपोर्ट यू टू अनदर लोकेशन एंड टू अ रेफ्यूजी कैंप वेयर यू कैन गो ऑन विद योर लाइफ एंड यू विल गेट अपॉर्चुनिटी. देयर क्लासेस गोइंग ऑन, देयर डिफरेंट स्पेशलिस्ट क्लासेस इन द यूएन कैंप्स, यू कैन अटेंड दोस. And your medical facilities are free in the UN camp. So there were few child soldiers who knew ki yaar is yahan pe kuch hona nahi hai because they had no family to lose. They had nothing to lose. So they used to probably, you know, surrender and we used to relocate them so that they never used to come back to that particular conflict zone ever. We used to send them to different locations of the UN compound only. You know, the first bullet fired is the childhood lost of a child soldier. He loses all innocence. And similarly with that immaturity and innocence and immaturity, he goes on to a killing spree also. So there are few photos regarding somebody written food of South Sudan, your experience. Now the food of South Sudan, they worship cattle. Cattle is like God to them. It is their livelihood. So firstly, they have wars or fights amongst each other due to the grazing grounds. So wherever these cattle they take for grazing, if it is into another tribal ground, they will come and massacre the village. They'll kill them, genocide, wipe out the whole village. That how dare. So they have very clear territories marked. Very specific territories marked. Ki bhai, is area mein tum aoge nahi, ye meri tribe ka area hai. You will not get your cattle here out of bounds strictly. And kai baar to kidnappings ho jati thi, dusre tribe wale ko bandi bana ke rakh liya hai. So the other tribe used to kidnap them and then there used to be negotiations between the tribe elders. Ki chhod do, jaane do please. Then they say, okay, we are going to find you five cows. Give you five cows which are milk yielding and then take them. If they had to get married, any girl, जो भी लड़की वाले साइड के थे, any girl side, a girl's father, and, you know, the girl father used to receive cows, 50 cows for a daughter, 60 cows, 90 cows for your daughter. So cows are like a big asset. They are the Mercedes and Hummer and the Maybachs over there. Style bhi hai, tashan bhi hai, power bhi hai, you know. The more cows you have, the more powerful you are in the tribe. So, वहाँ पे cows के ऊपर होता था कि जिसकी सबसे ज़्यादा cattle है वो powerful है. Then you know they had a different. They invited us over for food. So I went. You know they had bats. They had cattle there.
they had wild fox, wild boar, and you know, they never used to let anything go waste. मतलब अगर कैटल है तो उसकी जीप से लेके पूंछ तक कुछ नहीं छोड़ते थे. एवरीथिंग यूज्ड टू बी कुक्ड एंड पुट ऑन द टेबल. बैट होता था ऑन द टेबल, क्रोकोडाइल ऑन द टेबल, हिप्पो ऑन द टेबल, ठीक है, हाइनाज होते थे, हाइना का मीट ऑन द टेबल, ए टू जेड, राइट फ्रॉम द नोज टू द टेल, नथिंग यूज्ड टू गो वेस्ट. एंड देयर वाज वन वेरी द ट्रेडिशनल डिश, वो काऊ के गर्दन में ना पंचर वुंड करते थे एंड उसका एक या डेढ़ लीटर काउ के खून को कलेक्ट करते थे एंड देन देश टू सील दैट वुंड एंड उस खून को गरम करके देश टू कुक एंड मेक पर्टिकुलर डिश आउट ऑफ दैट ब्लड एंड दैट ब्लड यूज्ड टू बी रिच इन प्रोटीन. सो उस ब्लड के वो छोटे छोटे वो जैसे बिस्किट्स टाइप नहीं होते तो वैसे बिस्किट्स टाइप कट कुट करके वो बना के देते थे हमें खाने के लिए. एंड इफ यू डोंट ईट यू आर basically you are disrespecting their gesture of welcome. कि वो आपको वेलकम करना चाहते हैं, ये वो ये उनका कस्टम और ट्रेडिशनल डिश है, you have to eat. And only the and those who are like pure मतलब very religious truths and all, they used to avoid. कहते साहब हम तो आएंगे नहीं. मैंने कहा ठीक, मैं कहा मैं तो फंस गया. ऑफिसर, यू नो वंस यू आर एन ऑफिसर, all religions are your religion. Hindu, Muslim, Sikh, Christian, Jain, Buddhist, all religions are your religions. You know, karm hi dharm ho jata hai wahan. Sarv dharm sthal. So you want to follow your own personal religion, do it in your room. But you want to do it in front of all the troops, you go together to sarv dharm sthal, jahan pe sabhi religion ki photos and मजार और सब कुछ बना रहता है एक छत के नीचे. तो वी कैनॉट डिफरेंशिएट कि भाई ये बंदा ये कास्ट का, वो उसका, नो नथिंग. वी आर वॉरियर्स, वी आर ऑफ द सेम फैमिली एंड आवर रिलीजन इज वॉरियर. वी बिलोंग टू द वॉरियर रिलीजन एंड आवर ड्यूटी इज टू किल द वन, वी हैव टू किल द डेविल एंड टू किल द डेविल यू टू बिकम अ बिगर डेविल. So you have to become the demon. You have to become the demon to kill the evil, take over the situation and then enforce peace. And then you become a saint. And you know, the right lessons in life are taught by the people who've done wrong in life. Jisne bura karke apni life mein experience ke saath seekha hai, he will be the right person to guide you what not to do and what to do in life. We've seen death. We've seen soldiers pass away in our arms. We've killed the enemy. We've seen death right in the face. From everything, you learn something. At the end of the day, you know, even when the enemy is no more, you know, you have that sense of moral respect for the enemy. It could have been you also. You have to be an overall balanced personality. You cannot desecrate. An officer or an Indian soldier will never desecrate or abuse or tamper with the mortal remains of anyone for that matter. Yaar. We are not barbaric. We are not inhuman. We barbarism करना है तो कर सकते हैं. It's the most easiest option for us to do. Probably it is a hard option that we follow by not doing anything wrong. We are within our moral and moral belief and ethics, like as an upright soldier and officer. That is why Indian Army. अरे कारगिल में हमने पाकिस्तानी सोल्जर्स की डेड बॉडीज को विद फुल रिस्पेक्ट वी रिटर्न्ड इट टू देम. वो तो लेने भी नहीं आए. यस सर. जो द एनिमी जो लेने भी नहीं आए, मतलब विद प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड प्रेयर्स वी गेव अ प्रॉपर रिस्पेक्टफुल बरियल टू देम. दैट ठीक है, व्हेन दे वर अलाइव दे डाइड व्हाइल डूइंग द जॉब, ठीक है, एंड दे ट्राइड टू हार्म आवर मदरलैंड, दे ट्राइड टू ऑक्यूपाई, हाउ डेयर दे. साला तुम उंगली दिखाओगे, हम उंगली के साथ हाथ भी काटेंगे
और आंखें भी निकाल लेंगे और जुबान भी काट लेंगे, ना बोलने लायक रहोगे, ना देखने लायक रहोगे, ना हरकत करने लायक रहोगे, लंगड़े और लूले वैसे ही मरे और दिमागी तौर से भी मर जाओगे। सो दैट इज वॉट इट वॉज कि भाई यू कांट, यू डेयर नॉट लुक हियर, हाउ डेयर यू। इनफैक्ट वो दिन दूर नहीं जब पीओके भी हमारा होने वाला है, एंड आई एम नॉट सेइंग इट फॉर द हेक ऑफ इट, आई मीन व्हाट आई से, बिकॉज वी आर ऑल्सो वेइंग थिंग्स यार, हम भी प्लस माइनस कर रहे हैं, टाइम पास नहीं चल रहा है जिंदगी में, शतरंज है ना, एवरी मूव हैज अ मीनिंग बिहाइंड इट, डोंट वरी, व्हेन द टाइम इज अराउंड राइट एवरीथिंग विल बी डन राइट। तो मैं वही, यस सर बिल्कुल, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट अक्रॉस, दैट यू नो ऑफिसर और अ सोल्जर होलिस्टिकली हैज टू बी हैविंग कंपैशन, यू हैव टू बी ह्यूमेन, यू हैव टू बी हेल्पफुल, you have to sacrifice when you don't have anything to give. For example, if I barely have 5,000 rupees or kisi ka parents or somebody not well aur koi mere paas aata hai ki yaar please donate, aise mere khud ke paas paise nahi hai yaar, par chalo theek hai main 2100 rupees de deta hu, main kaha chalo I'll at least survive, mere haath pair to chal rahe hain, I'm in a better position and condition yaar than somebody who's much worse. लीडरशिप के प्रिंसिपल होते हैं ना, 14 प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, यू गॉट टू इम्बाइब ऑल दोज एंड यू गॉट टू बिकम अ पंच, एक पंच बनोगे बाय गेटिंग ऑल दैट एंड इट विल गिव अ इम्पैक्ट, इम्पैक्ट तब दे सकते हो जब खुद का वजन तकड़ा होगा, दैट मीन यू नो राइट टाइम एंड राइट प्लेस टू हिट एट द राइट स्पॉट, ठीक है, और उस वेट के साथ आप जब पंच मारोगे इंपैक्ट विल बी वेरी डीप एंड हार्ड, सो यू हिट वेर इट इज इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड एंड यू विन व्हेन इट मैटर्स मोस्ट। यस सर एग्जैक्टली सर, सर वेरी वेल सेड। एंड सर एक चीज और आती है, अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगा, लास्ट टाइम पे ना बच्चों ने पूछा था वो रंदोरी बहक वाला एनकाउंटर जो था उसके बारे में, लाइक दिस विल बी द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कि रंदोरी बैग एनकाउंटर के बारे में इफ यू कैन टेल अस समथिंग, लाइक कैसा रहा था वो, किस तरीके से था उस स्नाइपर वाला? यस सर वही यार, आई वुडंट गो इन डिटेल्स रिगार्डिंग व्हिच लोकेशन एंड एवरीथिंग एंड व्हाट पटना, सी यू सीन द वीडियो सो यू कैन सी द, ऑल आई कैन से इज आफ्टर लुकिंग एट द वीडियो दैट हैज कम आउट, यू कैन सी हाउ प्रोफेशनल द इंडियन स्नाइपर्स आर यार, मतलब दे आर सो प्रोफेशनल, इट जस्ट टुक वन एवरी फायरर वन बुलेट टू टेक आउट दोज थ्री चैप्स इन वन गो यार, वो तीन नमूनों को एक ही बार में गॉन, ठीक है। एंड एज फार एज रंडोरी बैक वाला इज कंसर्न, आई विल स्पीक अबाउट इट लेटर, आई विल नॉट ट्राई टू वॉन्ट टू डिस्कस इट अभी, I don't want to get into depth regarding this. Our main motive is to tell you regarding SSB and the psych. As far as discussion of operations is concerned, trust me, there are going to be many. Jhajjar Kotli ka bhi maine khud kiya hai, you know. You will have ample number of sessions regarding these. But right now, what matters most is what Shivam has told. Aapko actual mein batana hai ki psychological mindset kya hona chahiye. Aap group discussion mein ja rahe ho na, आप सपोजिंग मैं एग्जांपल देता हूँ ग्रुप डिस्कशन को लेके, एक ही बंदे को आप सुनते रहोगे ना टीवी में, जैसे अर्नब गोस्वामी का आता है ना रिपब्लिक टीवी पे, मैं कई बार चैनल चेंज कर देता था बिकॉज इट यूज टू बिकम मेरी मोनोटोनस की एक ही बंदा बोल रहा है बार बार, इट हैज टू रोटेट, इट हैज टू इंक्लूड एवरीवन, तो आई यूज टू फाइंड अर्नब एक्चुअली स्ट्रगलिंग टू मीडिएट एंड कंट्रोल few स्पीकर्स जो बोलते ही जाते थे, मतलब मैं तो मन में बोलता था अर्नब को कि यार प्लीज इन्हें म्यूट पे लगा दो यार और दूसरे की बात सुन लेते हैं उसके बाद उसको अनम्यूट कर दो, पर वो इट विल बी अनएथिकल, बट मैं वही बता रहा हूं कि अगर आप ग्रुप डिस्कशन में हो यू कैनॉट कीप स्पीकिंग योर सेल्फ यार, ठीक है अपना पॉइंट दो, गिव योर पॉइंट एंड सिट बैक,
how can you have a more better approach by listening to everybody? After listening to everybody, you have so many options per person, per option. Is the ye bola. Now, out of these options, which is the best alternative option? So if you want to agree to it, agree to his option and then put your option, which is resembling that person's solution to a problem. And ek aur cheez, duniya mein sabko pata hai problem kya hai. Kindly speak up with a solution to it. This I learned in Fort. Main jab bhi jata tha na, zabardasti ke main questions puch leta tha kai baar. Sir, how do we do this? How do we do that? They said, you go and find the answer because you have the doubt. And it is not that answers don't exist. It is in the very book that you have with you. Open it, read it in depth and we'll get the answer. That is exactly what it is. Don't start looking for answers by questioning others. Question yourself and try and logically find that answer by yourself. God helps those who help themselves. Bhai, pehle khud effort karo, uske baad bahar se umeed karna. Exactly sir, bilkul sahi bola aapne. और यही आज मतलब क्या है ना सर, सर ने जैसे सर के पास तो किस्से इतने सारे हैं, सर का एक्सपर्टीज भी है और सर कैन कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग, पर अल्टीमेटली जब सर से मेरी बात होती है तो सर ने आज खुद ही बोला था कि यार आज इनको ना रिटिन के बारे में और एसएसबी के बारे में बताना है, क्योंकि ये तो जब अंदर जाएंगे तो ये तो फैल जाएंगे बच्चे वहां जाके, क्योंकि ये सारी चीजें तो बाद का पार्ट है. यू कैन रीड डॉक्यूमेंट्रीज, you can read books, watch documentaries and all, ops के बारे में आप देख सकते हो, पर जब तक घुसोगे नहीं अंदर फौज में, उसके लिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना यार. And उसके लिए एक और चीज़ I want to tell, यार ग्रामर की बहुत प्रॉब्लम है. हाँ सर, किसी को लगता है कि यार मेरी इंग्लिश ठीक है, यार स्पीकिंग इंग्लिश इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम, बट राइटिंग इंग्लिश इज अनदर फाइट ऑल टुगेदर. यार आप जब तक एक सेंटेंस प्रॉपरली फॉर्म करके नहीं लिखोगे, प्रॉपर कंजंक्शंस नहीं यूज करोगे, आप प्रॉपर एक्सक्लेमेशन मार्क्स नहीं लगाओगे, कॉमा नहीं लगाओगे, फुल स्टॉप्स नहीं लगाओगे, और आप हर एक सेंटेंस में कंजंक्शंस में कंजंक्शंस, एंड ही टोल्ड दिस एंड देन दिस हैपेंड एंड देन दे डिड दिस एंड दैट हैपेंड, यार फुल स्टॉप भी तो लगा, फुल स्टॉप की भी तो वैल्यू है भाई, फुल स्टॉप तो लगा लो. तो आई हैव सीन इतने इनग्रॉस हो जाते कि paragraphs keep stretching up to a page, half a page se upar. But where are you forgetting the grammar? Where are you forgetting the exclamation marks? ठीक है? Somebody written, हाँ. Have you met a military person of a country whose relations are not good with India? I would, yeah, I have, but then I would not like to comment much about it because there was nothing that happened. Just obligatory hi hello, that's it. Not even exchange of name or anything. I would not like to comment on that. So, मेरा बोलने का वही है कि यार सेंटेंस फॉर्मेशन तो प्रॉपर करो यार. आप जब तक सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं हो, बट यू आर अ गुड स्पीकर. भाई मैं अंग्रेजी मेरी भाई जबरदस्त है, पर लिखाई में ना मैं वहां पे हक देता हूँ. आई शिट ऑल ओवर द प्लेस बाय राइटिंग. And this, that, they, and this happened, and that happened. No, किसी का accident हो गया है. What is your basic thing? First aid दो यार. First aid पे पहले render करो. First aid देने के बाद आप गाड़ी या transport का arrange करो और उसे आप पहले hospital लेके जाओ. उसके बाद inform करो police को. उसके बाद घर वालों को बताओ. These are basic steps. If you want to cross a road, you got to first look left, then right, again left, and then cross. And while crossing, मैं तो कहता हूँ दोबारा right देख लो यार, India है. You got to be careful. ठीक है, so there are set patterns. How do you go when traffic is there? Red light पे रुकोगे, amber light पे you will, it is yellow light तो बोलूँगा, it is amber. तो amber light को देख के you will be cautious. Left, right, and left देखोगे. एंड ग्रीन पे गो है. मैंने yes, तो ये भी देखा है कि यू नो डोंट बी इन अ हरी. आप अगर लिफ्ट में जा रहे हो, बटन को बार बार दबाने से लिफ्ट की स्पीड नहीं बढ़ने वाली है. अ लिफ्ट विल नॉट मूव बिफोर इट्स टाइम, इट विल टेक इट्स टाइम.
if you are honking at a traffic light expecting the light to go green immediately, sorry dude, it's things don't work like that in the real world yaar. तो वही बोल रहा हूँ, राइट टाइम राइट. सो एवरीथिंग यू हैव टू डू करेक्टली एंड योर टाइमिंग हैज टू बी करेक्ट. यू गॉट टू बी इक्वली रेडी फॉर एवरी टास्क दैट यू गिवन. तो मैं टू द यूथ वही बोल रहा हूँ कि रॉन्ग नोशंस को निकालो, गेट ऑल द रॉन्ग नोशंस आउट ऑफ योर हेड, बी बैलेंस्ड. यस सर. सर ऑन अ कंक्लूडिंग नोट, एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा मेरे आपसे आपके साथ, क्योंकि ये मेजरली दिस सेशन हैज बीन लाइक इट विल बी एन आई ओपनर रहेगा ये सबके लिए, क्योंकि जब मैं इसको यूट्यूब पे डालूंगा तो इसका थंबनेल मैं ऐसे बनाने वाला हूँ कि मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच टू प्रिपेयर फॉर रिटन एग्जाम एंड SSBs फॉर द फोर्सेस. ये मेरे दिमाग में अभी क्लिक किया, क्योंकि जो आपने जो बातें बताई है ना सर, ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें आपने बताई है. क्योंकि जब अभी ये तैयारी कर रहे हैं फैंसी जोन में है, बट व्हेन दे गेट इनसाइड द फोर्सेस देन रियलिटी विल हिट देम हार्ड, और फिर वहां से तो ऐसा ना हो जाए कि भागने वाली नौबत आ जाए इनके साथ. तो सर ने पहले ही आगाह कर दिया है तुम्हें कि यार पहले से मन बना लो कि ऐसा होने वाला है, और अगर सच में हो या तो छोड़ दोगे तैयारी या मोटिवेट हो जाओगे. दो ही चीजें होने वाली हैं. या फिर शिवम एक बार आ गए, यू इफ यू आर इन यू विल नॉट गो आउट. It's not yes, a party, sir. Yaar. It's not a party that you're entering where the best of music is happening and the best of music is stopped, you just move out. It doesn't happen like that. I'm sorry. The picture is not that rosy. You've come in with a commitment. You volunteered for it. Nobody's put a red carpet for you to walk onto it and come in and join. Sorry. It doesn't happen like that. So, yes, sir. If you are in for good. That is what I'm saying. SSB is all about being yourself, truthful. अगर आपने अपने आप को पोर्ट्रे कर दिया मैं ये हूं मैं वो हूं एंड दिस एंड दैट एंड वंस यू आर इन यू कैनॉट चिकन आउट यार. यू कांट शो योर बैक, यू कांट रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू कैन नेवर एवर ड्रीम और थिंक दैट आई एम ज्वाइनिंग टू लीव. नो सो शिवम नेवर एवर से दिस की if you are in and you want to leave, no. I swear on God, I never wanted to leave. It was due to the circumstances around me and jo kehte majbooriyan na hindi mein, you know, I had my duty towards my parents as well. Yeah, there was no for them anymore. Matlab I am the only one now. Theek hai, aur koi nahi hai unka dhyan rakhne ke liye. Yaar, there was a time where I had to call it a day. एंड स्टिल मेरा कई बार ऐसा होता है सिविल में ना वो एंग्जाइटी इतनी हो जाती है. आई एम स्टिल नॉट एबल टू एडजस्ट. आई एम फाइटिंग इट आउट एवरी डे साइकोलॉजिकली इन सिविल. मेरे लिए आसान नहीं है. आई डू नॉट टेक थिंग्स लाइंग डाउन. आई हैव हैबिट ऑफ सीइंग थिंग्स हैपन एज दे आर जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट. आई कैन नॉट टॉलरेट कैजुअल एटीट्यूड. आई एम फाइटिंग टू टॉलरेट ऑल दिस नाउ. I have been programmed not to accept crap. I've been programmed not to take lethargy or laziness or take it easy attitude. I am fighting it every yes. day in my life now by looking at the environment around me. So, वही मैं बोल रहा हूँ. What I suggest, the best thing that can happen to India is army service be made mandatory for everyone during college. I'm telling you, पूरे देश की the face of the country will change. It's going to be amazing if that happens. Let's see. There's a proposal that is happening regarding this. Yes, sir. That all college students should join and for at least 3 to 4 years, and they'll be given proper time to study and then perform their military duties. Now, how it is done in Israel? Israel is a very good model of this. Yes, sir. So that is how it's supposed to happen. तो सर बेसिकली यही था. एंड सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से कवर करी कि मिलिट्री ट्रेनिंग, और ये सर मैंने भी प्रपोजल अभी देखा कि आने वाला है एंड बहुत जल्द आई होप कि ये पूरा हो जाएगा.
तो दूसरी चीज जो मैं एक बताना चाहूंगा बच्चों को कि सर का पुराना वाला जो सेशन है वो भी यूट्यूब पे है, मैं स्टोरी पे अभी लगा दूंगा थोड़ी देर में, आप वो देख सकते हो, लिंक के साथ लगा दूंगा। दिस सेशन विल ऑल्सो गो ऑन यूट्यूब, और इसको जब आप देखोगे ना तो इट विल बी एन आई ओपनर। इसको रेफर करना, डिफेंस एग्जाम मास्टरी को आप फॉलो कर सकते हो, समर सर को फॉलो कर लो, समर टूर के नाम से सर की आईडी है, सर को मैं टैग कर दूंगा अभी स्टोरी पे, और पोस्टर में सर को टैग किया हुआ है, आप सर को फॉलो कर लो। सर को जब आप देखोगे ना, आई कैन वाउच फॉर सर कि बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है, बड़ी हिम्मत मिलती है। इट्स लाइक अ एल्डर ब्रदर पुशिंग यू टू बी द बेस्ट, टू बी द बेस्ट एवरी सिंगल डे। तो सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे, बहुत अच्छा लगा। अगेन लाइक एक पावर पैक्ड सा सेशन था सर, और जब आपके साथ होता हूं तो टाइम का पता ही नहीं लगता, इट 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 वेंट ऑन गोइंग फॉर आवर्स एंड आवर्स। थैंक यू सो मच सर, जय हिंद सर, जय हिंद, टेक केयर, जय हिंद सर, जय हिंद टू ऑल, जय जय हिंद सर। जय जय हिंद।